डन डन। चलिए भाई सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज बच्चों जो है संडे है, तो आज क्लासेस जो है आपकी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी होंगी, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा है डाउट है कि संडे है कि नहीं, आज थोड़ा सरप्राइज हो रहे हैं, आज संडे है, आज ठीक है, आज संडे है, तो आज क्लासेज आपकी जो है ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी रहेंगी। और आज हम लोग बच्चों एवरेज पढ़ रहे हैं, SSC GD का जो बैच चल रहा है उसमें एवरेज पढ़ रहे हैं, और एवरेज का ये लास्ट क्लास होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, मज़ा आएगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इससे पहले भी हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं एवरेज में, और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। और ये आप देखिए SSC GD दिस वन, जैसा कि आपको पता भी है 24369 पोस्ट है, लेकिन हमको किससे मतलब है, केवल एक सीट से। एक सीट इस बार पक्का करना है, चाहे जैसे भी इस बार एक सीट पक्का करना है, ठीक है। अगर पिछले बार आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया था किसी वजह से, इस बार हार नहीं मानना है, और जितनी तैयारी पीछे किए थे वो तो आपकी है ही, इस बार बस उसको बढ़ा देना है। कुछ बच्चों का सिलेक्शन पिछली बार हो गया था, उसी को मोटिवेशन के रूप में लेना है आपको कि हाँ यार कोई बात नहीं, जब तक वो ट्रेनिंग पूरा करेंगे तब तक हम उसमें शामिल हो जाएंगे, बस यही तो है। और ये जो भर्ती है 24369 वाली, ये बहुत जल्द कंप्लीट होगी, ये भी जान लीजिए, बहुत जल्द, क्योंकि सरकार एकदम पूरा मूड में है, समझ लीजिए पूरा मूड में सरकार आपको नौकरी देने के लिए, समझ लीजिए कि ये समय ऐसा है कि सरकार पकड़ पकड़ के नौकरी दे रही है, इसलिए समय गवाइए मत। खासतौर से 2023 का जो समय है, 2023 एक तरह से समझ लीजिए आपकी जो तैयारी करने वाला छात्र है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। 2023 के बाद चीज़ें बदल जाएंगी, आपके साथ अनुकूल स्थितियां नहीं रहेंगी, उसके बाद फिर भर्तियों का आप जानते भी हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बच्चों इस बार 2023 में जान लगा दीजिए या जाने दीजिए, इसलिए तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से ले चलिए, और सिलेक्शन की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे, ठीक है। इस बार बढ़िया से तैयारी करनी है किसी भी हालत में, चाहे हालत कैसी भी हो। हालांकि मान लीजिए बच्चा तैयारी करता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, तरह तरह की चीज़ें दिमाग में आती हैं कि यार इतना साल हो गया पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। बच्चों ये सबके साथ होता है, अभी आपने देखा है कई स्टोरी हमने शेयर किया, और भी बच्चे बताते हैं कि सर इतना समय हो जाता है लेकिन होता नहीं है, लेकिन हाँ समय तो लगता है बच्चों सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी पता है क्या है, पहली बार ये पेशेंस मांगती है, धैर्य मांगती है। अगर आपके पास धैर्य है ना तब तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, अगर धैर्य नहीं है तो छोड़ दीजिए आज से ही, ये है, ये पेशेंस मांगती है, तुरंत इसमें तो होता ही नहीं है, समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। अगर इसको जो समझ गया, समझ लियो पक्का एक ना एक दिन सेलेक्ट होगा। इसलिए बच्चों इस मोटिवेशन के साथ आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी बीच बीच में, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। आइए तो बच्चों ये सिलेक्शन पक्का इस बार लेना है। ये देखो एक सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार आपसे कहते भी हैं, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑडियो और वीडियो साथ में चल रहा है या पीछे चल रहा है, कभी कभी क्या होता है कि पीछे हो जाती हैं चीज़ें। लिखा है बच्चों ये देखो कितना शानदार बात लिखा हुआ है, इस बात को बार बार बोलिए और अपने अंदर एक मोटिवेशन के रूप में लीजिए। क्या लिखा हुआ है, इज्जत भी मिलेगी दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माता पिता की तो जन्नत भी मिलेगी। और वाकई ये रियलिटी है बच्चों, इसलिए हम आपसे बार बार कहते भी हैं आप कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार को आप ना भूलें, संस्कार ही शिक्षा की जननी है, शिक्षा ही संस्कार की जननी है, संस्कार ही शिक्षा की जननी है। मतलब ये चीज़ें एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों बनाए रखिए आप। अगर आपके अंदर शिक्षा है तो संस्कार लाइए, संस्कार के साथ साथ शिक्षा लाइए, एक सिक्के के दोनों पहलू बच्चों, इसका जरूर ध्यान दें आप, हमेशा बार बार करते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ, तुरंत आ जाइए फटाक से, ये सवाल तुरंत बताएंगे आप लोग, हम ये सवाल करवा चुके हैं लेकिन फिर चाहेंगे कि आप लोग इसका आंसर दें फिर से एक बार, थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट एक बार रिवीजन करेंगे और तुरंत बताएंगे फटाक से। चलिए आइए इसका आंसर हम चाहेंगे कि आप लोग आंसर दें इसका बच्चों, जल्दी से चलिए फटाक से, जो बच्चे पढ़े उनका आंसर आ जाना चाहिए तुरंत, हाँ तुरंत आना चाहिए भाई आंसर, सवाल में दम नहीं है बच्चों। क्या लिखा है बताइए, सवाल लिखा है कि एक छात्र के अंक गलती से 69 के बजाय 94 दर्ज किए गए, यह इस त्रुटि कारण कक्षा के औसत अंकों में 1.25 की बढ़ोतरी हो गई, उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी। मजाक हो गया, करवाए थे हमने, क्या कहा था कि मान लीजिए छात्रों की संख्या कितनी है, एन है, कितनी है, एन है। अगर एक छात्र की संख्या में ध्यान दीजिएगा 1.25 अंक की बढ़ोतरी होगी तो एन में कितनी होगी, एन इंटू 1.25, अरे हाँ या ना, बराबर। और यही जो अंतर पैदा करेगा किसकी वजह से, 69 के बजाय क्या कर लिया, 94 कर लिया, तो इसका अंतर ले लीजिए 94-69, खत्म हो गया सवाल। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आ जाएगा बताइए, इसको लिखेंगे n इंटू 125 बटा के कितना 100,
और ये कितना हो जाएगा बच्चों? कहेंगे सर ये 25 हो जाएगा, 25 पाँची 125 और 25 चौको 100 और 25 अब 5 चौको 20, सवाल खत्म हो गया। एन का मान क्या आ जाएगा? 20। और एन आपने क्या माना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। दिस इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है, याद रखिए आप, इसलिए इसको हम दोबारा एक बार करवा रहे हैं आपको ताकि क्लियरिटी हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कल ये ग्रुप में भी सवाल डाला गया था, तो ग्रुप में सवाल देखा कर ध्यान से आप लोग, लगता है ग्रुप को देखते हो आप लोग लेकिन सही से चेक नहीं करते हो कि सवाल कौन सा आया है। ये सवाल का सोल्यूशन के साथ ग्रुप में डाला गया है, ठीक है, तो आप लोग चेक करते रहे भाई। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग का स्वागत है, ठीक है। आंसर इज द 20 आंसर होगा इस सवाल का। देखिए अभी हाल ताज़ा सवाल है, एवरेज का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट नोट करते रहेंगे आप लोग साथ साथ में। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला सवाल, इसका तो आंसर बता दो फटाक से आप लोग, इसका आंसर बता दीजिए क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर बताएं। एक कक्षा के अंग्रेजी का परीक्षाफल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 दर्ज किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक क्या हो गया? 0.95 की वृद्धि हो गई, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तुरंत फटाक से कहेंगे सर मान लेते हैं ये विद्यार्थी थे और सबका एवरेज कितना बढ़ेगा? 0.95, और ये किसके बराबर कर देंगे? सीधे बोलेंगे सर 95-57, खत्म सवाल। तो तीन इधर से 35 उधर से, कितना जाएगा? 38। तो यन इंटू 95/100। देखो अगर ये बच्चा सवाल नहीं किया होगा ना तो हम 100% बता रहे हैं कि वो फंस जाएगा, वो सोच ही नहीं पाएगा कैसे शुरू करें सवाल को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 38 हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। तो 19 × 5 = 95 और 19 × 38 और 5 से काट देंगे 5 × 10, तो यन का मान क्या आ जाएगा? 20 × 40 और यही सवाल का आंसर है। और यन क्या माना आपने? नंबर ऑफ स्टूडेंट। दिस इज द आंसर, 40 इस सवाल का आंसर होगा। कितना आसान है बताइए, कुछ करना ही नहीं है। तो ये सवाल आते हैं पेपर में, आपके जीडी में भी देखने को मिलेंगे, इसका याद रखिए आप, ठीक है। नोट करिए भाई जल्दी से, एकदम ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। आसान है, एकदम आसान है, ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला तुरंत देख के आंसर बताइए फटाक से, तुरंत बताना आंसर, वेट नहीं, देखो और आंसर बताओ फटाक से। अब तीसरे साल में तो पूरा पढ़ते भी नहीं ना आप लोग, हैं बस डाटा देखेंगे क्या है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि यही चीज़ें होंगी। 60 आएगा, बिल्कुल। देखिए वही सवाल कहाँ कहाँ पूछा जा रहा है, CPO में, CGL में, MTS में, CHSL में, SSC GD में, UPP में, वही सवाल है, डाटा चेंज कर देगा, कंसेप्ट वही रहेगा ना। बोलेंगे ये कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पे 93 लिख दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो कहेंगे अगर एक में 0.5 की वृद्धि होगी तो यन छात्रों में कितनी होगी? यन इंटू 0.5 और 0.5 मतलब आधा ना होता है, खत्म, आधा हो गया। और क्या हुआ यहाँ पे? 93 की जगह 63 के स्थान पर 93 लिख दिया, तो 93 - 63 ये हो गया 30। यन बराबर कितना आ गया? 2 × 30 आंसर कितना आएगा? 60। सवाल खत्म यानी 60। दिस इज द आंसर। कितना आसान है बताइए, कुछ करना है? लेकिन हाँ अगर नहीं, अगर सामने से गुजरा होगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा सवाल, बहुत कठिन भी हो सकता है, बिल्कुल। इसलिए आपसे बार बार कहते भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करें आप, समय बहुत कम बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, समय का ही इंपॉर्टेंट है, समय, क्योंकि क्या होता है ना बच्चे जब देते हैं तो समय कम पड़ जाता है उनका। कल एक टेस्ट लिया गया था आप लोगों का, पता है जीडी का, कल से जीडी का टेस्ट शुरू हो गया है, 1 घंटे का आपका हर 2 दिन पे टेस्ट होगा, आप 2 दिन पे डेली, ऑफलाइन भी होगा और कुछ टेस्ट ऑनलाइन भी होंगे, कल से शुरू हो चुका है, आज उसी कापी चेक करवा दिया जाएगा, ठीक है। और कल फिर टेस्ट होगा आपका, मंडे, आज नहीं, 1 दिन गैप करके कल टेस्ट होगा आप लोग का, ठीक है, ऑफलाइन। आइए नेक्स्ट, ठीक है भाई आगे बढ़ जाएं, ठीक ना, चलिए नेक्स्ट। अब बताओ दम है क्या सवाल में? अब तो लगाओगे भी नहीं, कोई रहने दीजिए, हो गया, अब चार सवाल सेम आ गया, लगाइए। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए, मजाक हो गया, अब तो लगा दोगे ना तुरंत? हाँ एकदम ठीक है। कहेंगे सर सवाल में दम नहीं है, अब आगे बढ़िए, हम एकदम आगे बढ़ गए हम, यन इंटू 0.5 का मतलब कितना होता है? 1/2 बराबर, बस एकदम समझ गए, 88 माइनस कितना? 68, ये हो गया 20,
तो n इंटू आधा बराबर कितना 20, तो n बराबर कितना है 20 दूना 40। ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि सवाल देखो और क्या लगाओ आंसर, सामने वाला दंग हो जाए कि मैथ लगा रहा है कि जीएस पढ़ रहा है। इस हिसाब से प्रैक्टिस इस हिसाब से होनी चाहिए आपकी, बात समझ आ रही है? तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार सवाल को लगाया है, याद हो जाएगा। बच्चे कहते सर हमको मैथ नहीं आता है, हम पूछते हैं कितना लगाए हो मैथ ये बताओ, तो कहते सर एक चैप्टर में 10 सवाल हमको बताओ। एक चैप्टर में 10 सवाल से होगा? एक चैप्टर में कम से कम 300 सवाल लगाओ, 500, फिर देखो कम से कम 500 लगाओ एक चैप्टर में। बच्चे लगाना कम चाहते हैं और चाहते हैं कि मैथ भी आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? एक चैप्टर में अगर 500 सवाल लगाओगे, 30 चैप्टर हैं, 30 × 500 कितना हुआ 15,000। 15,000 लगाने के बाद आप देखिए अपने आप को, बात समझ आ रही है? एकदम आग हो जाओगे आग, आपको हर जगह मैथ का ही सवाल दिखाई देगा। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब 4-5 सवाल लगिए और कहेंगे मैथ ही नहीं आता, कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा? जब खाना खाते हो तो भर पेट खाते हो कि नहीं खाते हो? दबा के खाते हो एकदम 30-40 पूरी, पेट भर जाए जब तक। और पढ़ाई में कमी क्यों? तो पढ़ाई में भी कम से कम अगर पढ़ना है तो लगाइए सवाल दबा के एकदम, सवालों की संख्या। इसलिए हम देखो एक सवाल कम से कम चार लाते हैं, ताकि अगर बच्चा एक में नहीं सीख पाएगा दूसरे में सीखेगा, तीसरे में नहीं सीखेगा चौथे में सीखेगा, अब पचवें में कहाँ जाएगा? बात समझ आ रही है? यही है ठीक। नेक्स्ट अब आपका टाइप चेंज हो जाएगा। लो ये हमने कल करवाया था लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी आज करवाएंगे, तो आप लोग आंसर बताओ जो कल किए हैं, जो कल किए हैं आंसर बताएंगे इसका। हाँ अन्नावासी 10.85 ये होनी चाहिए। अब देखो तो बात समझ आ रही है? एकदम ठीक है। अगल बगल वाले परेशान हो गए, ये कैसे आंसर दे रहा है, जैसे लग रहा भारत के राष्ट्रपति पूछे जा रहा है उस तरह आंसर दे रहे हैं बच्चे। तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। देखो रिवीजन का मतलब यही होता है। हाँ एकदम ठीक है, धन्यवाद फ्री मैथ एजुकेशन। लिखा गया 20 लड़कों, ध्यान देना है सवाल बहुत परेशान होते हैं इस बच्चे इस तरह के कंसेप्ट में। क्या 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किलोग्राम था तथा बाद में पता चला कि एक लड़के का भार भूलवश 87 किलोग्राम के बजाय 78 किलोग्राम पाया गया था, तो शुद्ध औसत बताइए। लगा लेंगे, सुनिए पहले क्या करेंगे आप, यहां लिखेंगे सही क्या होना चाहिए था और यहां क्या होना चाहिए था गलत। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं लेकिन एकदम क्लियर कर लीजिए आप सही गलत वाले सवाल। लिखा गया है भूलवश, गलती हो गई उससे, 87 किलोग्राम के बजाय क्या ले लिया गया 78, मतलब लेना क्या चाहिए था 87 और ले कितना लिया, बस खत्म हो गया सवाल। इसका मतलब जो एवरेज निकाला होगा वो गलत लेके निकाला होगा कि सही लेके निकाला होगा? गलत लेके निकाला होगा, गलत लेके निकाला होगा। लेना कितना था 87, ले कितना लिया, इसकी वजह से निकाला, इसका मतलब एवरेज कम हो गया होगा, इसका मतलब हमको एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। एवरेज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कहेंगे सर शुद्ध औसत, शुद्ध औसत क्या होगा वो ध्यान देखना, शुद्ध औसत, शुद्ध औसत कहेंगे सर ये तो होगा ही होगा 89.4 तो होगा ही होगा, प्लस बढ़ाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि आपने इसकी वजह से निकाल दिया और लेना क्या था 87, इसका मतलब कितने का अंतर बन रहा है 2 इधर 7 उधर से 9, 9 का अंतर और किक कटेगा, समय बटेगा 20, खत्म। मुस्कुराइए, 9 कहां से आया अंतर, और जोड़े क्यों हैं, क्योंकि गलती से आपने 78 लिया था, लेना था 87। जोड़ लो भैया क्या होगा 89.4 प्लस 2 चौक को 8, ठीक। एक बचेगा, कितना बचेगा, 1.45 समथिंग जोड़ लो आप, 0 है तो कितना हो जाएगा ये 89.85 लगभग खत्म हो गया 89.85। क्या किसी को डाउट है, कितना आसान सवाल है बताइए, दम ही नहीं है सवाल में, सवाल में दम एकदम नहीं है ठीक 89.85। अब ये सवाल दोबारा कभी आएगा तो सोचो दौड़ा दौड़ा के मारोगे आप किसको, ये भी डरने लगेगा यार किससे पाला पड़ गया हमारा, बात समझ आ रही है? तो यही होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो इसका आंसर बता दो फटाक से, 100 ये है, बस यही चाहिए हमको, अब ये वाला स्पीड चाहिए हमको। सवाल देखो आंसर लगाओ, कहीं भी देखो सवाल, वहां सवाल दिख रहा है वहां पे तुम आंसर बताओ, सामने वाला घबरा जाएगा वो, क्योंकि इतना अभ्यास किया हमने, हमने अभ्यास इतना कर लिया है कि आप सवाल लाइए बस उसके बाद देखिए। लिखा गया है 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया, बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों का औसत 46 और 82
लिया गया, जबकि उनका सही मान 64 और 28। देखो क्या कर रहा है ना धोखेबाज, क्या हो रहा है यहाँ पे, 46 को उल्टा देखो क्या हो गया 64, और 82 का उल्टा क्या हो गया 28। मतलब बच्चा क्या पता है, 46 और 64 में उसको अंतर समझ में नहीं आ रहा है, 46 को 64 कर रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी दाईं वाली आंख बाईं चली गई होगी और बाईं वाली दाईं चली गई होगी, इसलिए तो होगा इकाई दाई इधर उधर हो गया होगा। और क्या कर रहा है बताओ, 82 को क्या लिख रहा है 28। हमने कहा ठीक है हम वही काम करेंगे, क्या बताओ, कहेंगे सर एक काम करिए आप, पहले ना सही लिखिए, सही वाला क्या होना चाहिए, सही, तो सही वाला क्या होना चाहिए बताओ, कहे सर दो प्रेक्षणों का 46 और 82 लिया गया जबकि उनका सही मान क्या था 64 28, ये लिखो। कहेंगे कितना होगा ये, 8 4 12 6 2 8 1 हो गया, गलत क्या ले लिया गया, कहे सर ले लिया गया पता है क्या आपको, इसी का उल्टा 46 और 82 कितना होगा बताओ, 128। इसका मतलब अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब एवरेज इसके हिसाब से निकाला गया होगा, गलत के हिसाब से मतलब ज्यादा आ गया होगा तो हमको एवरेज में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। एवरेज इसके हिसाब से निकाला गया होगा गलती के हिसाब से, हमको तो शुद्ध बताना है शुद्ध, तो कहेंगे सही औसत क्या होगा सर जी, क्योंकि क्या किया गया है, जो औसत निकाला गया है 128 की वजह से निकाला गया है तो औसत बढ़ गया होगा तो घटाना पड़ेगा क्योंकि हमको निकालना है 92 के हिसाब से। तो सही औसत क्या होगा, तो बोलेंगे सही औसत हो जाएगा, कहाँ गया वो 124 घटाना पड़ेगा माइनस इनके अंतर से, तो कहेंगे 9 इधर से 28 उधर से 36, ठीक 36, और कितनी संख्या है भैया 18, 8 उधर से, अच्छा हम 9 बोल दिए थे क्या, ओके 18 दूना 36, तो क्या हो जाएगा 124 और माइनस कितना 2, आंसर विल बी व्हाट 122, दिस इज द आंसर। अब बोलो 122 याद आ रहा है कि नहीं, लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो यही फायदा होता है, अरे समझ में, कल वाला है ना ये, हाँ 122 89.85, ठीक है, और ऊपर 40 60 20, ठीक है। अच्छा इसका अगर बेसिक कहा जाए तो लगा लोगे क्या, बेसिक आप लोग लगा लेंगे, अगर इसका बेसिक कहा जाए तो लगा लेंगे, बेसिक से लगा लेंगे, कहेंगे 18 गुणे 124, और उसके बाद इनका अंतर ले लेंगे और भाग कर देंगे फिर किससे, 18 से आ जाएगा, बेसिक उसका वही है, ठीक है। एक बार हम बेसिक बता देते हैं, देख लीजिए, हालांकि ये भी बेसिक ही है, कंसेप्ट है, लेकिन बच्चे क्या होता है किताब में कैसे दिया होता है हम बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिए किताब में कैसे दिया होगा ना, सुनिए ध्यान से क्या होगा, गलत योग, गलत योग क्या होगा, गलत योग कहेंगे सर 18 गुणे कितना 124, 18 चौक को 72, हासिल कितना 7, 18 दूना 36, 36 7 43, हासिल कितना 4, 18 कम 18 4 22, तो ये गलत योग हो गया ना भाई, तो सही योग करना पड़ेगा हमको, कहेंगे सर सही योग क्या होगा, सही योग, सही योग, अच्छा ये इसका बेसिक है, कहेंगे सर 22 32 22 32, ठीक माइनस जो गलती है उसको घटाओ, जो सही है उसको जोड़ो, कहें सर सही क्या है, सही ये वाला है इसको जोड़ लो 64 प्लस 28, और घटा क्या लो इन दोनों को 46 और 82, बस सवाल खत्म हो गया, अब सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा, कैसे देखिए, कहेंगे सर देखिए ये 22 32, और ये वाला मामला हम लोग सॉल्व किए ना भैया, भैया 36 आया है, वहीं अभी किए हैं 36 36, लेकिन माइनस में इसका भी ध्यान देंगे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो माइनस में आया होगा, तो ठीक है भैया माइनस में कर लो, किस में कर लो, माइनस में कर लो, माइनस 36, ठीक ये तो योग है, घटा लो इसको, तो घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए 2196, ये क्या है योग है, ये योग है, ये क्या है योग है, ये क्या है, पूछा क्या आपसे औसत, एवरेज, एवरेज पूछा है भैया, तो कहेंगे 2196 अब बटा कितना 18 18, एक कम 18 बचेगा कितना 3, 18 दूना 36 18 दूना, ऐसे करेंगे क्या पेपर में भाई, तब तक हम 3 4 ठो कर लेंगे सवाल, बात समझ आ रही, ऐसे नहीं करना है, जहाँ जरूरत होगी वैसे करेंगे, बिल्कुल भी मत करिएगा ऐसे, और एक कैलकुलेशन और बढ़ा दिया हो
124 को और बड़ा कर दिया हो तब कैसे करेंगे बताइए। इसलिए आप लोग ऐसे ही करेंगे जिससे पहले बताया था हम, ठीक है। ठीक है भाई, एकदम ठीक कर लेंगे। आइए, तो इसका बेसिक था हमने बता दिया। वैसे ये बताओ अनुच्छेद 122 में है क्या? 122 आ रहा है बार बार, हाँ हम जानते थे अध्यादेश आएगा, बहुत फेमस है वो, लेकिन ध्यान देना हो 123 में है वो, 50.7। देखो भाई साहब बच्चे जहर हो चुके हैं एकदम, एकदम याद हो गया है वो 50.7। तीन बारी चल रहा है इस बार, बात समझ आ रही है? कहेंगे सर अच्छा देखो ये भाई ये सवाल बढ़िया हो गया इस बार, ये सवाल क्या हो गया, क्यों बढ़िया हो गया ध्यान दीजिएगा। 100 चीजों का औसत 46 है, बाद में पता चला कि उसमें 16 को गलती से क्या लिख लिया गया 61 और 43 को 34। ये अभी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं थी बल्कि क्या थी, 90 थी भैया। दो दो बार गलती हो गई इस बार, दो क्या तीन गलती कर सकते हो आप, तीन गलती हुई है, दो संख्याओं गलत पढ़ा और खुद संख्याओं को कि 100 नहीं भैया 90 था, जबरदस्त फॉल्ट हुआ इस बार। आइए करते हैं। कहेंगे सर जी ये काम करिए, आप निकालिए पहले गलत संख्याओं का योग, पहले क्या निकालिए गलत संख्याओं का योग निकालिए, गलत गलत संख्याओं का योग, ध्यान दीजिएगा समझिए। यहां पे देखिए ध्यान देंगे, यहां देखिए कहेंगे सर ये 100 संख्याओं हैं, 100 संख्याओं का योग क्या होगा, 100 संख्याओं का योग, थोड़ा इसको छोटा कर दें क्या, थोड़ा जगह मिल जाए हमको, थोड़ा सा क्या कर दें इसको, दिख रहा है ना अभी आप लोगों को, अगर नहीं दिख रहा तो पालक का सेवन करें आप, किसका पालक का दिखेगा साफ, हाँ 100 संख्या का योग, पालक नहीं जानते क्या आप लोग, हाँ तो 46 × 100 कितना हो जाएगा ये 46। अच्छा ये बताइए सही है कि गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो सही क्या होगा, सही क्या होगा भैया, कहेंगे सर सही होगा सही का, वो कहा है साहब साहब कि देखो भैया जो निकाले थे ना वो 100 संख्या नहीं थी, कितनी थी 90, तो यहां क्या बोलेंगे 90 संख्या का योग अंकुर, याद है इसी में कंफ्यूज है ना कल, हाँ तो कहेंगे सर 4600 और माइनस प्लस करेंगे, अब आइए करते हैं माइनस प्लस। ये बताओ सही क्या था आपके पास, कहें सर सही क्या क्या था, कहेंगे सर देखिए 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया, मतलब पढ़ना क्या चाहिए था 16, अच्छा यहां देखो 43 को 34 पढ़ लिया गया, मतलब पढ़ना क्या चाहिए था 43, एकदम ठीक, तो गलती क्या क्या पढ़ लिया गया उसको भी लिख लो भैया यहां पे, 61 और इसको कितना 34, अच्छा इनको जोड़ लो तो 59, इनको जोड़ो 95, 4×5 = 9, देखो यहां भी सेटिंग हो रही है इनकी, मतलब लेना था 59 ले लिए, गलती कर दिए ना तो घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा घटा दो भैया, तो सही वाले को जोड़ दो और गलत वाले को घटा दो, एकदम ठीक है भैया। तो कहेंगे सर जी ये कितना जाएगा, एक इधर से 35 उधर से 36, तो 4600 में क्या घटा दो 36, घटाएंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर जी आ जाएगा 4564, ये कितनी संख्याओं का है 90 संख्याओं का योग है, पूछा क्या है एवरेज, क्या पूछा है एवरेज, तो क्या आ जाएगा कहेंगे 4564 अब बटा कितना 90, काट पीट लो भैया 9×5 = 50 बार पूरा ले जाइए 450, दसमा लगाइए और कितना बचेगा यहाँ पे 9×7 आंसर आएगा कितना 50.7। ये सवाल अभी तक का बढ़िया हो गया, उन दोनों कैटेगरी का समझ लो एक तरह से बाप है उनका, इससे पहले किया ना तीन ठो बाप है ये, क्यों बाप है, क्योंकि अंक को भी गलती कर दिया और संख्या को भी गलती कर दिया, इसलिए बढ़िया सवाल हो गया, ध्यान दीजिएगा। और ये सवाल कई बार पूछा गया है, डाटा तक लोग चेंज नहीं करते हैं, 100 संख्या 90 संख्या 16, 61, 43, 34 आंसर क्या 50.7, जीडी में मिल जाएगा 2022 में 2023 में उड़ा दीजिएगा एकदम 50.7, लगाने की जरूरत नहीं है, इतना अभ्यास है, खेल जाएगा तो हम भी खेल जाएंगे, हम कहाँ किसी से कम हैं, वो थोड़ा सा खेलेगा हम पूरा खेल के चले जाएंगे, बात समझ आ रही है।
वो बल्ला उठाएगा, हम पूरा खेल के आएंगे एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम, ठीक है ना। हाँ हाँ सही है, एकदम सही है। हाँ अरे तो आप भाई क्या कर रहे हो, पहले भाग वही बात हुई ना, एकदम सही है, ठीक है आ जाएगा, घटा देंगे। हाँ आप अलग अलग भाग दे रहे हैं, हम इकट्ठा करके एक बार भाग दे रहे हैं, एक बात एकदम सही है, गुड करेक्ट सही है भाई, कर लेंगे सही है ना। अगर खेलेगा तो अभी खेल जाना बढ़िया से, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट आइए, इसका आंसर बता दो फटाक से, खतरनाक रटे हो भाई साहब आप लोग तो, जबरदस्त ये वाला मामला ठीक है, एकदम सही है। 25 प्रेक्षणों का औसत 23 से बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 के बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया, तो नया औसत क्या होगा? कहेंगे भैया देखो सही क्या है, सही क्या लेना क्या था हमको, सही कहेंगे सर सही क्या है भैया, 73 की बजाय 48 के रूप में 73 लेना था और ले क्या लिए 48, ये तो एकदम खतरनाक है भैया, 37 तो चलता, ये तो 73 का 48 से पढ़ लिया, अब इसको क्या कहेंगे आप, रतौधी कहेंगे दिनौनी कहेंगे, क्या पढ़ रहा था मतलब, ये दो तरह होता है ना, एक रतौनी होता समझते हो, रतौधी रात को दिखाई, एक दिनौनी भी होता है दिन में नहीं दिखा देता है। भाई साहब ये किस हिसाब से पढ़ रहा था हमको ये नहीं पता, अब चलो कोई बात नहीं, हमको तो लगाना है, सवाल लगाना है, आइए तो क्या करना है ये बताइए। कहेंगे सर नया औसत, नया का मतलब, नया का मतलब क्या, सही औसत कहिए आप, थोड़ा अच्छा रहेगा, सही औसत कहिए, नया औसत कहिए, सब एक ही बात है, क्योंकि नया इसलिए कह रहा है कि पुराना निकाल चुका है वो, नया भी कर दीजिए आप, घबराइएगा मत, दोनों एक ही है, ठीक। कहेंगे सर देखिए करना क्या होगा हमको, देखो यह 13 है, क्या है 13 है, निकाला गया 48 के हिसाब से, निकालना किस पर था 73 पे, इसका मतलब औसत कम आ गया होगा, क्या हो गया होगा कम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, अंतर ले लो, कहेंगे 2 इधर से 23 उधर से 25, अब बटा कितनी संख्या है, कहे 25, मजाक हो गया, तो 25 बटा 25 कितना हो गया, एक आंसर कितना होगा 13 + 1, व्हाट इज द आंसर, 14 इज द आंसर, आप बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है ना, तो आप लोग एक अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ क्या सीखने को मिल रहा है इससे, कि अगर एक सवाल को 2 बार लगाओ 4 बार लगाओ कितना आसान हो रहा है वो सवाल, यही सिखाते हैं आपको, अगर कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है ना उसको कई बार पढ़ो, कई बार उस चीज को पढ़ो, उस टॉपिक को कई बार लगाओ, देखो आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हाँ निपटा दिए, आइए ध्यान दीजिएगा, यहीं से शुरू करना है हम लोगों को बढ़िया से तरीके से, आइए समझिए। आप लोग का क्या स्थिति है भाई, एकदम ठीक है, चलिए सही है। देखो भैया क्या लिखा है, 100 तक की सभी अभाज्य और विभाज्य, बेवकूफ बना रहे हो, 100 तक की क्या लिखा है, अभाज्य भी और, तो भैया प्राकृतिक क्यों नहीं लिख दिए तुम, प्राकृतिक क्यों नहीं लिख दिए, लेकिन कह रहा है कि नहीं फंसो उसी में, अरे अभाज्य और विभाज्य मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगी प्राकृतिक, सब तो आ ही गया, सब तो आ गया ना, अभाज्य का मतलब समझते हो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहां शुरू होती है, 2 से 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 डॉट, और एक होती है क्या कंपोजिट नंबर, क्या होती है, हाँ कंपोजिट नंबर, क्या होती है कंपोजिट नंबर, पहली 4 फिर 6 फिर 9 8 छूट गया जल्दीबाजी में, कोई बात नहीं 10 फिर 12 डॉट डॉट डॉट। प्राइम नंबर का परिभाषा क्या होता है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 इज इटसेल्फ अदर इज 1। कंपोजिट नंबर का परिभाषा क्या होगा, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसके, ठीक है ये होता है, तो ये बेसिक चीजें सबको आता है। आइए अभाज्य और विभाज्य, ये हम आपको बताते भी हैं कि अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है 25, 1 से 100 तक कितनी होती है 25, 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, ये सब चीजें याद होनी चाहिए भाई, एकदम ठीक है। तो पूछा है ना इसका औसत बताओ, तो 1 + 2, अच्छा यहां भी एक बात बताओ, यहां एक बात है क्या, 100 तक की सभी अभाज्य और विभाज्य, यहां विभाज्य लिखा है और जो कंपोजिट नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, भाज्य होता है ना, बात ध्यान सुनना,
क्या विभाज्य को हम भाज्य कह सकते हैं? बताइए, कह सकते हैं विभाज्य को? इसका यह मतलब हुआ, थोड़ा ये भी दिमाग लगाओ, क्या इसमें एक आएगा? बहुत ध्यान से भाई साहब, बहुत ध्यान से, क्या इसमें एक आएगा? सोचो। अरे एक कैसे आएगा? अभाज्य संख्या कहां शुरू होती है और विभाज्य संख्या कहां शुरू होती है? एक। क्या हुआ भाई साहब? गुगली खेल गया एग्जामिनर, क्या खेल गया है गुगली? एक न तो अभाज्य है न तो भाज्य है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बहुत शानदार, मजा आ गया, क्या आ गया? इसीलिए वो प्राकृतिक नहीं लिखा था। तो फिर अगर विभाज्य बोलते तो फिर क्यों चार शुरू करते हैं? उसका एक ही फैक्टर है। हाँ तो विभाज्य को भी तो बोलोगे भाज्य? मतलब ही नहीं रहेगा फिर, तब तो मतलब नहीं रहेगा ना फिर। अब यहाँ थोड़ा इनको इंग्लिश क्लियर करनी चाहिए था ना, थोड़ा एक डाउट हमको भी लग रहा है यहाँ पे, इंग्लिश अगर आता थोड़ा और क्लियर रहता। विभाज्य यहाँ पे ये क्या होता है? भाज्य। लेकिन विभाज्य और भाज्य में क्या अंतर है भैया? ये विभाज्य कोई बोल दे, ये उपसर्ग लगा हुआ है भी, तो इसको भी तो कंपोजिट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपोजिट। 11 देखो विभाज्य का मतलब नहीं है, बात यहां संख्याओं की हो रही है। एक, अरे भाजी सुनिए सुनिए, पहले आप बताओ विभाज्य कोई संख्या पढ़ते हो? भाज्य संख्या ना पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या ही पढ़ते हैं। इसके कहने का यही मतलब होना कि संख्याओं के बारे में डिस्कशन कर रहा हो। विभाज्य तब तो जीरो भी है, शामिल करिए। अब बोलिए, विभाज्य तो जीरो भी है भाई। विभाज्य का मतलब संख्या की बात किया जा रहा है, भाज्य। तो भाज्य शुरू कहां से होगा? कहेंगे सर दो से, तीन से, फिर अच्छा अब सब आ जाएगा क्या? अब सब आ जाएगा। और कहां तक जाना है? 100 तक है। क्यों माइनस वन करेंगे? तो उससे क्या मतलब हमको? अरे हमको ये हम औसत निकालना है तो हम पहला और लास्ट जोड़ के आधा नहीं कर देंगे सीधे? भाई एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम? पहला और जोड़ के आधा। 102 का आधा आजकल कितना हो रहा है कि नहीं ऑप्शन में? भाई साहब जबरदस्त, मजा आ गया। वही तो, कल तो हम कपड़ा भी अलग पहने थे, आज देखो। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, मामला गड़बड़ा सकता है भाई साहब। अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा ना, तुरंत चमक जाएगा। ऑप्शन में दिया है, हम लोगों ने क्या कल किया था, हमको लगा कि वो प्राकृतिक हो गया। देख लीजिए बहुत, हाँ एक नहीं आएगा, इसलिए बार बार आपसे कहा भी जाता क्या? एक एक जो है न तो भाज्य है, याद है? एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और न ही क्या है, मजा आ गया। वन इज नाइदर प्राइम नर कंपोजिट, आंसर विल बी व्हाट? 51। किसी को डाउट नहीं ना? क्लियर हो गया, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हाँ भाई ऐसे तो सबका गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, एकदम गलत हो गया। जो लोग 50.5 मार रहे हैं भाई साहब, ये बदल लें अपना आंसर, आंसर बदल लें लोग आए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ गलतियों को बदल लेनी चाहिए, अगर वो सच में गलतियाँ की गई हैं तो। नहीं तो फिर ऐसा कैसे? बिल्कुल, ये 51 होगा, ठीक है। 51 इज द आंसर। बहुत ध्यान से भाई देखो, अच्छा सर इंग्लिश में अगर लिखेगा तो क्या बोलेगा? एवरेज ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो एवरेज, और जानते भी आप एवरेज निकालने का तरीका क्या? जब भी कोई सीरीज क्रम से चलती है तो एवरेज कैसे निकालते हैं? पहला प्लस अंतिम का आधा, सब लोग जानते हैं ना भैया। अगर कभी भी कोई सीरीज कंटिन्यूअस चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, उसका एवरेज निकालने का फार्मूला होता है क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा के दो, फर्स्ट प्लस लास्ट अब बटा कितना? दो। यही होता है क्या निकालने का? एवरेज। ये क्या होता है? एवरेज। आंसर कितना जाएगा? 51, ठीक है। हाँ आप सब लोग
ठीक कर रहे हैं, एकदम सही है। चलो बढ़िया, मज़ा आ गया ये सवाल देखकर, बहुत बढ़िया हो गया ना भाई, आ जाओ आगे। हाँ अब यहाँ पे हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आपको, पहले आप लोग ट्राई करिए फिर हम सिखाएंगे, पहले आप लोग ट्राई करिए। 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15.5 है, इसमें अगली 6 संख्या मिलाने के बाद नया औसत क्या होगा? ध्यान देंगे, समझेंगे, देखिएगा। कितना आएगा आइए देखते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना इसमें, अगली जोड़ना अब पिछली हटाना, ये वाला कंसेप्ट में कहा था ना बताएंगे आपको, इसलिए क्लास आज की इंपॉर्टेंट थी। समझिए ध्यान से, होता क्या है ना, समझो आप, यहां पे मत देखो, यहां देखो पहले, यहां देखो, तो पहले यहां देखो सब लोग, कंसेप्ट समझो। मान लीजिए हमने 3 संख्या लिया, 1, 2 और 3। अच्छा ये क्या है, प्राकृतिक है कि नहीं है? जी हाँ प्राकृतिक है, 1, 2 और 3। हम आपसे कहें कि चलो बताओ इसका एवरेज क्या होगा, बताना, कहेंगे एवरेज होगा बीच वाली संख्या 2, हाँ या ना? अच्छा भैया, हमने कहा एक काम करो, अब इसमें ना आगे की 2 संख्याएं जोड़ दो, अगली संख्या ले लो, मतलब 1 तो होगा ही होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और अब बताना इसका एवरेज क्या हो जाएगा। कहेंगे सर इसका एवरेज हो जाएगा कितना, 3। अच्छा भैया एक बात देखना, अब लॉजिक बनेगी यहीं से, संख्याएं कितना बढ़ाए, 2, एवरेज कितना बढ़ा, बहुत ध्यान से कंसेप्ट बनेगा यहीं पे, संख्याएं कितना बढ़ाए, 2, एवरेज कितना बढ़ा। अच्छा रुकते हैं अभी, ये कौन संख्याएं बताइए, प्राकृतिक है, ये कैसी है, प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है। अच्छा भैया ठीक है, चलो आगे कुछ बात करते हैं। हमने कहा 2, 4, 6, चलो बताओ इसका एवरेज, तो कहेंगे सर अगर 3 संख्या है तो बीच वाला एवरेज होगा 4, बस आते क्रम से होना चाहिए। हमने कहा इसमें अगली 2 संख्या जोड़ो, तो कहेंगे 2, अगली 2 जोड़िए, 2, 4, 6, 8, और अब बताना एवरेज, तो कहेंगे सर बीच वाली संख्या एवरेज होगी 6, और यहाँ एवरेज कितना है 4, यहाँ एवरेज कितना बढ़ा, बहुत आराम से, बहुत आराम से कहें सर जी यहाँ जितनी संख्याएं बढ़ाएं उतना ही एवरेज बढ़ा, और यहाँ पे जितनी संख्याएं बढ़ा उसका आधा बढ़ा। अच्छा ठीक है भैया, ये कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, बहुत ध्यान से सब क्लियर करते हैं। अच्छा एक काम करिए, तो विषम संख्या ले लेते हैं थोड़ा, 1, 3, 5, चलो बताओ इसका एवरेज, तो कहें सर इसका एवरेज होगा 3, कितना होगा, चलो इसमें भी अगली 2 संख्या बढ़ाओ, बढ़ा तो करो, कहेंगे सर बढ़ा दीजिए क्या होगा, 1, 3, 5, 7, और अब बताना एवरेज, कहें सर एवरेज कितना हो जाएगा, कितनी संख्या बढ़ाए, 2, कितनी बढ़ाए, एवरेज कितना बढ़ा। कुछ बातें समझा रही हैं क्या आपको, ठीक है अभी हम रुकते हैं भैया, एक काम और देते हैं आपको। हमने कहा 7, 14, 21, इसका एवरेज बताना, कह सर बीच वाली संख्या एवरेज होगी 14, हमने कहा अच्छा 7, 14, 21, 28, और कितनी बढ़ा दें, 35, अब बताना एवरेज, तो एवरेज कितना होगा, 21, एवरेज होगा 21, क्यों 21 भाई, बीच वाली संख्या हो गई। अच्छा बताओ यहाँ पे कितनी संख्याएं बढ़ाए, 2, एवरेज कितना बढ़ा, तो यहाँ तो कहोगे कि सर जी अभी तक तो रट रहे थे ना, कि 2 बढ़ा रहे थे, 2 बढ़ रही थी, 2 बढ़ा रहे, 2 बढ़ रही थी, हाँ अब सुनिए ध्यान से बिरजू, ठीक ना, ध्यान से, इसी को काटने के लिए हमने वहाँ लगाया वो सवाल, क्योंकि आप लोग रट लीजिए थे इससे पहले, क्या जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे उतना बढ़ा देंगे, अब तो 2 ही बढ़ा रहे हैं, 7 क्यों बढ़ रहा है, सुनिए अब जब भी बात, हाँ एकदम सही है,
जब भी बात एवरेज की होगी, बढ़ने की चाहे घटने की, चाहे बढ़ने की हो चाहे किसकी हो, बहुत गहराई से बात समझना, बढ़ने की हो चाहे घटने की हो, बहुत ध्यान से, चाहे बढ़ने की बात करें चाहे घटने की बात करें। फिलहाल अभी हम बढ़ा रहे हैं तो बढ़ने की बात करते हैं। जैसे घटने घटेगी कब? जब अंतिम संख्या हटा दी जाए। घटेगी नहीं घटेगी? जब भी बात एवरेज की बढ़ने की हो चाहे घटने की हो, तो क्या होगा? कहेंगे आप लीजिएगा क्या? अंतर। क्या लीजिएगा? अंतर। अंतर का आधा कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? आधा इंटू जितनी संख्या आपने हटाई है या डाली है, उतनी संख्या है। क्या संख्या? जितना आपने डाला है संख्या। बहुत ध्यान से, अभी कम समझ आ रहा होगा आपको, समझिए। अब सुनिए, ये बताइए, ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं इसकी। कितनी संख्या थी? तीन। आगे कितनी संख्या जोड़ ली आपने? दो। कितना जोड़ लिया? दो। इन संख्याओं में कितने का अंतर है? एक का। कितने का अंतर है? एक। लिखो अब बटा के कितनी संख्या जोड़े हैं? दो। दो का गुणा करो, दो दो क्या हो गया? कितना होगा? एक। एक बड़ा। बहुत ध्यान से, दो चार छह, अंतर कितने का? दो बटा के दो। दो बटा के दो कट गया। इसलिए इसमें क्या होता है, सम और विषम संख्याओं में क्या होता है, बच्चे रट लेते हैं क्या, कि जितनी बढ़ा दो उतने बढ़ जाएगा। कारण क्या है? दो से दो क्या हो जाता है? कट जाता है। कारण समझिएगा पूरा। यहां कितनी संख्या बढ़ाए? दो। तो दो से दो क्या हो गया? इसका मतलब अंतर ही बढ़ जाएगा सीधे। यहां चेक करो, कहोगे अंतर कितने का बना है यहां पे? दो का। दो बटा के दो इंटू संख्या कितनी बढ़ा रहे हो? दो। दो दो कट गया अंतर। यहां देखो, कहेंगे अंतर कितने का बन रहा है यहां पे? सात का। यहां लिखो सात। अब बटा के दो, कितनी संख्या है? दो। दो दो क्या हो गया? सात। अंतर नहीं, अंतर के आधे से, अंतर के आधे से। अब आ जाओ, अब आ जाओ, सवाल उड़ाते हैं। अब क्या उड़ाते हैं? सवाल देखो, देखो तो यहां भैया, ये सवाल था क्या? पढ़ो तो, 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15.5 है। 30 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें अगली कितनी संख्या बढ़ रही हैं? 6। तो 6 का आधा 3, 3 जोड़ कितना? खत्म। सुन लीजिए, अब क्या बताया हमने? हमने कहा नया औसत कैसे बढ़ेगा, बहुत ध्यान सुन लो, सबको बातें क्लियर हो गई कि नहीं? नया औसत, कहेंगे सर 15.5 तो होगा ही होगा, प्लस आपने 6 संख्याएं बढ़ाई हैं। याद करो फॉर्मूला, क्या बताया हमने? डिफरेंस का, ये याद रखो भैया, इंटू क्या? जितनी संख्याएं आप बढ़ा रहे हैं आप। अच्छा, कहेंगे सर 15.5 प्लस। अच्छा मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अंतर कितने का होता है? एक का। क्योंकि प्राकृतिक संख्या लिखते हैं तो क्या आता है अंतर? एक का। कहां तक है? तीसरे तक ना। अंतर कितने का बनता है इसमें? एक का। यहां लिखो एक। अब बटा कितना? आप कितनी संख्या बढ़ा रहे हैं आप? 6 संख्या। यहां 6 का गुणा करो, दो तिया तो क्या हो जाएगा? 18.5। अब बताओ किसी को डाउट है? कल को एग्जामिनर बोल देगा 12 संख्याएं बढ़ा रहे हैं तो 6 जोड़ देंगे। कल को बोल देगा 15 संख्याएं बढ़ा दे रहे हैं तब 7.5 जोड़ देंगे। क्या बातें क्लियर हैं? ये है। अब यहां पे और भी चीजें सीखनी है कि अगर हम आगे संख्याएं जोड़ेंगे, अगली संख्याएं जोड़ेंगे तो औसत क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे 1, 2, 3 है, उसमें 2 संख्या और पीछे जोड़ दो तो बढ़ेगा औसत, और अगर आगे से बढ़ा दे संख्याओं को तो भी बढ़ेगा। अच्छा अगर पीछे संख्याओं कुछ निकाल लें तब घटेगा। अच्छा आगे से अगर निकाल लें तब ना ना ना, ना तब बढ़ेगा, तब बढ़ेगा। आगे से निकालेंगे तो बढ़ेगा। कारण क्या है कि छोटी छोटी संख्याओं को निकाल रहे हैं आप, छोटी छोटी संख्याओं को निकाल रहे हैं। अभी हम बता देते हैं, अभी हम बता देते हैं, ठीक है। आंसर आ गया, अभी सब आएगा, इसमें चीजें हम लोग क्लियर करते रहेंगे एक एक करके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है भाई। अभी आएगा, क्लियर करते रहेंगे हम लोग। देखो आ ही गया है, इसमें बहुत कुछ क्लियर करा देगा आपको, बहुत कुछ क्लियर कराएगा। सवाल लिखा गया है 20 लगातार सम संख्याओं का औसत यम है, ये सवाल आया हुआ है, सीजीएल का सवाल है। अगली 8 संख्याओं को शामिल करने के बाद नई औसत संख्या क्या होगी? अगली 8 मतलब बढ़ेगी,
मतलब कहेंगे यम प्लस आठ। पढ़ाए थे अभी भैया, अभी तो पढ़ाए थे। आप जानते हैं कि सम संख्या में क्या होता है, डिफरेंस का आधा, तो दो से दो कट ही गया, सीधे कितना पड़ेगा आठ, तो यम प्लस आठ ये है। चलो आगे, पहला का आंसर क्या हो गया, यम प्लस आठ। अच्छा, अंतिम चार संख्याओं को हटा दिया जाए, हटाने पर क्या होता है, घटता है, तो कितना, चार, यम माइनस चार। प्रथम छह संख्याओं को हटा दिया जाए, ये बात चल रही थी अभी, घटेगा। प्रथम चार छह संख्याओं को हटाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी हैं, बिल्कुल। प्रथम छह संख्याओं को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा यम प्लस। लेकिन ये बात कई लोगों को पच नहीं रही होगी, नहीं पच, क्योंकि आप कहेंगे सर ये कैसे, मतलब हटा रहे हैं और बढ़ रहा है, ये तो गुना है। बस 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 बस, छोटी हट रही है। अभी हम क्लियर कराते हैं, सुनो एक बार फिर से, सुनिए ध्यान से क्या होगा, एक बार फिर से देखिए, क्या समझिए, यहां देखिए, मान लो यहां लिखा हुआ है 10 लगातार सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत कितना है, पी है, कितना है पी। अब सब इसमें हम पोस्टमार्टम करते हैं, सब जितना हो सकता है। पहला सवाल, अंतिम, बहुत ध्यान देखना, यहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अंतिम अंतिम चार संख्या हटा दीजिए, हटा देने पर औसत बताना फटाक से, तो कहें अंतिम चार संख्या हटा दे रहे हैं, मतलब बड़ी संख्या हट रही होगी, औसत क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या लिखेंगे, अभी हम एग्जांपल भी देंगे, परेशान मत होइएगा आप लोग, पी माइनस फोर, एकदम ठीक है। चलो दूसरा सवाल, हम आपसे कहें प्रथम चार संख्या, या पहले अंतिम ही कर लेते हैं, पहले अंतिम ही, अंतिम का काम खत्म करिए पहले, अंतिम चार संख्या क्या करने पर, जोड़ देने पर, अब क्या होगा भैया, p प्लस चार, जोड़ रहे हैं तो बढ़ेगी, चलो ठीक। अच्छा, प्रथम चार संख्या जोड़ देने पर बताना, प्रथम चार संख्या जोड़ने पर, तो जब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ही भाई, प्रथम चार क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। अच्छा, इसको रोकते हैं अभी, इसको रोकते हैं, प्रथम चार क्या करने पर, हटाने पर, क्या करने पर, हटाने पर औसत, ये तो हम लोग किए थे अभी, क्या होता भैया, पी प्लस चार। अब बात ये वाली है कि सर जी दोनों बात एक ही हो रही है क्या, हटाएंगे तो भी, हाँ बिल्कुल, यहां ध्यान देना, इसलिए रोक दिया हमने उसको। अब यहां देखो, प्रथम चार संख्या आप क्या कर रहे हैं, यहां पे जोड़ रहे हैं, बहुत ध्यान देखना, इसलिए हमने छोड़ा है वहां पे। हाँ, अब यही वाला बात ध्यान देना है, आप बात ध्यान दीजिएगा आप, इसलिए समझिए। ये बताओ, ये चीजें तो क्लियर है आपको, जहां पर डाउट हो क्लियर करें एग्जाम्पल लेकर, क्या ये चीजें क्लियर है आपको, डाउट कहां है केवल इन्हीं दोनों में। लेते हैं एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल लेते हैं अभी, सुनिए। हमको बताइए क्या, कि मान लीजिए हमने सम संख्या ले लिया कुछ दो, बहुत ध्यान देखना, चार और क्या ले लिया, छह, तीन ले लिया, कितना ले लिया, तीन, अच्छा तीन ले लिया, और क्या करो ना, और ले लो पांच ले लो, थोड़ा और अच्छा रहेगा। सम संख्या की बात हो रही है ना, कहीं से भी ले लीजिए आप, यहां लिखा है भैया, क्या लिखा है, उसी की लॉजिक लग रही है। अरे लगातार की बात हो रही है, लगातार आप लीजिए, कहीं से भी लीजिए आप, लगातार कहीं से लीजिए, लेकिन अगर लगातार नहीं लिखेगा तो नहीं लगेगा ये सब, ये सब चीजें लगातार के लिए हैं, चाहे कहीं शुरू करिए, 42 शुरू कर दीजिए ना आप, 42, 44, 46 आएगा सेम, ठीक है। सुनिए, अच्छा बताओ, दो दो चार, इसका एवरेज बताना हमको, तो कितना है, कैसे, अच्छा
अब बात किसकी, हमको प्रथम की, अंतिम तो सीख लिए, अंतिम तो क्लियर है ना कि अंतिम अगर जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, बात है पहले की। चलो एक काम करो, स्टार्टिंग के दो को डिलीट कर दो, दो को क्या करो डिलीट, तो बचेगा क्या, 6, 8, 10 बताना एवरेज तो देख लो भैया, 8, आपने दो संख्याएं क्या की हैं, डिलीट की हैं, दो संख्याएं डिलीट किए, एवरेज कितना बढ़ गया, दो बढ़ गया डिलीट किए हैं। अब इसमें, अब चूंकि हमने ऐसा लिया है इसको कि इसमें पहले जोड़े कैसे, अब तो जोड़ने का अलग ही हम पर ले लेते हैं, कैसे देखो भाई, अब जोड़ने के लिए मतलब अब जीरो और माइनस दो नहीं ना लेंगे, कुछ और ले लेते हैं एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से। मान लीजिए क्या हमने ले लिया, क्या सुनना ध्यान से, 6 से ले लेते हैं, हाँ बिल्कुल 6, 8 और 10 ले लिया, इसका एवरेज बताना, इसका एवरेज कितना है 8। अब क्या है, प्रथम दो जोड़िए, डिलीट किए थे ना यहाँ पे, अब जोड़िए तो क्या आएगी, प्रथम दो कहेंगे सर प्रथम दो ले लीजिए, 1 आएगी 2 और 1 आएगी 4 और 6, 8 और अब बताना एवरेज, एवरेज बताना 6, क्या हुआ घट गया, क्या हुआ क्लियर हो गया भैया, क्या बोलेंगे प्रथम 4 को जोड़ने पर पी माइनस, अब बोलो क्या क्लियर हुआ, तो फिंगर टिप्स कैसे बोलेंगे, कहेंगे सर देखिए हमको सब कुछ समझ में आ गया है, अब क्या अगर कोई लगातार संख्याएं चल रही हैं, ठीक है भैया, अंतिम में जोड़ा जाएगा तो एवरेज पड़ेगा, अंतिम में हटाया जाएगा तो एवरेज घटेगा, प्रथम में जोड़ा जाएगा तो घटेगा, प्रथम में हटाया जाएगा तो, क्लियर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, यही है बात समझ रही है आपको, पूरा हमने दे दिया, लो भैया कई सवाल तैयार हो गए आपके, ठीक है कई सवाल तैयार हो गए, आप किसी को डाउट, और बढ़ेगा घटेगा किसमें, डिफरेंस का आधा इनटू संख्या, इतनी बातें क्लियर है सबको, क्लियर है कर लेंगे एकदम ठीक। चलो एक एग्जांपल हम और देना चाहेंगे, फटाक से इसका आंसर देना, फटाक से क्या आगे मिलेगा ये, अभी मिलेगी, हो गया ना सबको, कर लेंगे आंसर क्या था इसका, ऑप्शन बी, कैसे अगली 8 संख्याओं का शामिल किया गया तो बढ़ेगा ही भैया, अंतिम 4 संख्याओं का हटाया गया तो घटेगा ही भैया, ये वाली बात, प्रथम 6 संख्याओं का हटा देंगे तब जोड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी संख्याओं को हटा रहे हो आप, बात समझ रही है, किसको हटा रहे हो, छोटी छोटी संख्याओं को, बड़े आदमी को नहीं हटा रहे हो आप, बात समझ रही है, एकदम सही है। अब आप सुबह सुबह 10 तो चूटी मार लीजिए, चींटी कोई प्रभाव पड़ेगा भाई, डेली मारते हो उतना तो, लेकिन अगर 10 कोई बड़ा चीज मार दिया आपने, हाथी, अरे मत मारना हाथी, बात समझ रही है, वैसे भी जो है हाथियों को मारने का अधिकार आपके पास बिल्कुल नहीं है, टच भी मत करिएगा, तुरंत धारा लग जाएगी आपके ऊपर, गैर कानूनी काम है पता ना आपको, बिल्कुल गैर कानूनी है भैया। अब एक बार केरल में घटना हुई थी, कुछ लोगों ने केरल में क्या किया था, बहुत मतलब ऐसी वारदात हुआ था ना, वो हाथियों को उन्होंने मार दिया, केरल में घटना सुनी थी, और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, सही है, तो ये सब नहीं, हाँ कुत्ते को मार सकते हैं आप, मारने का मतलब ढेला ही मारना बस, और कुछ मत, कुत्ता भी जानता कि ढेला ही मारता है आदमी, बात समझा रही है, और कुछ नहीं मारता है वो, इसलिए पहले से सजा हो जाता है, इसलिए कभी भी आप जाते हो ना आगे, अगर थोड़ा सजाओगे, थोड़ा झुकोगे भी, अगर मान लीजिए लेस खुला हुआ है आपका, उसको क्या करने के लिए, बांधने के लिए, उसको लगेगा ये ढेला उठाएगा, और जानता ही है वो, और कुछ नहीं है, अब नहीं भागते सब, हाँ तो अब नई प्रजाति दिखा रहे होंगे, क्योंकि उनकी पीढ़ियों ने सिखाया होगा, देखो बाबू अब ऐसा नहीं है, अब तुम लोग भी क्या करो, अब ये इंसान बहुत सताए हम लोगों को, अब तुम क्या करो, तुम सताओ अब जाकर, एकदम ठीक है। आइए ये क्या है, 20 लगातार सम संख्याओं का में से अंतिम 15 संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है, प्रथम 5 संख्या हटा दी जाए तो नई संख्या क्या औसत क्या होगा, 20 लगातार संख्याओं में से, ये गलत है 20 लगातार, ये गलत लाइन दिया हुआ है, 20 लगातार सम संख्याओं का औसत, ये गलत है, हटा दो इसको, कोई मतलब नहीं इसका, हटाओ इसको, ये हटाओ इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं उसका,
ये सवाल पढ़ो, ये सवाल क्या लिखा है, 20 लगातार सम संख्याओं का औसत। हाँ ये पढ़ो, बस बस यही पढ़ो और कुछ नहीं। सम संख्याओं का औसत कितना है, के है। प्रथम 5 संख्या हटा दी जाए, पहली की हटाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। हटाएंगे तो घटेगा, हटाएंगे तो एकदम ठीक है, एकदम एकदम, मतलब आप लोग ठीक ठाक है। मतलब भाई पहली का मतलब छोटी संख्या हटा रहे हो आप, और हटाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, 5 है। यहां क्या लिखा है, तो उतना ही डिफरेंस का आधा। डिफरेंस कितना होता है, 2 बटा के 2 इंटू 5 कितना बढ़ेगा, 5। तो क्या बोलेंगे, है ही नहीं इसमें भाई, बढ़ेगा कितना, के प्लस फाइव। आधा मत कर देना भैया, ठीक। 20 लगातार सम संख्या हटा दी हमने लाइन का, औसत के था, प्रथम 5 संख्या हटा दी जाए तो हटाने पर औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वाली बात, अगर यही बोल देते क्या, अगर यही बोल देते, हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर हम यही बोल देते देखो हम कई सवाल बना सकते हैं इसमें, ठीक है, कई सवाल बना सकते हैं। अंतिम अंतिम 5 से करा देखते तब क्या होता, देखो सवाल तैयार हो रहे हैं आपके। अगर यही बोल देते हम, क्या बोल देते बताओ, प्राकृतिक, अगर प्राकृतिक बोल देते तब हो जा क्या हो जाता, ढाई, और वो भी ढाई कौन वाला, बहुत ध्यान से। अच्छा ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, अब बताओ पकड़ लिया ना, कैसे भी आए अब कर लोगे ना आप लोग, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस बात दिमाग में रखिएगा, 4-5 चीजें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बढ़ेगा घटेगा किस में, डिफरेंस का आधा इंटू संख्या, बस। चलो आगे बताओ भाई साहब, ये थोड़ा चेंज है सवाल, लेकिन एक करवाया हमने, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। लिखे प्रथम 1, 2, 3, 4, अच्छा इसको मत देखो, ये कोई मतलब नहीं इसका, ये क्या डाटा संख्याओं का औसत कितना है, 1, 2, 3, 4 के बराबर है। तो क्या यहां क्या भरें, ऑड नंबर। अरे हमने पढ़ाया है, ध्यान सुनो, प्रथम याद है, प्रथम यन विषम संख्या का औसत, यन विषम संख्या का क्या औसत क्या होता है, यन ही होता है। प्रथम पहली बात, प्रथम यन सम संख्या का औसत याद है ना सबको, एन प्लस वन। तो ये अगर ये इसी के बराबर हो गया, इसका मतलब यहां क्या भर दें हम, विषम। आंसर क्या होगा इसका, ऑड मतलब विषम, इवेन मतलब सम, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्राइम मतलब अभाज्य। क्लियर है सबको, कर लेंगे एकदम आसान है। ये चीजें याद रखिएगा, प्रथम यन विषम संख्या का औसत यन होता है, प्रथम यन सम संख्या का औसत एन प्लस वन होता है। नेक्स्ट ये वाला, ये वाला क्यों, क्या इसमें क्या बोला है भाई, 20 लगातार सम संख्याओं में से अंतिम 15 संख्याओं के औसत के है, तो अंतिम 15 का दिया है, और उसके बाद क्या बोला है, प्रथम 5 संख्या हटा दी जाए, कौन सा, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा मान लीजिए बिना मिटा देखा जाए, कर लेते हैं भाई, क्या बोला है, 20 लगातार सम संख्याओं में से अंतिम 15 संख्याओं का औसत के है, अंतिम 15 के है, किसको हटा के दिया है,
हाँ यहाँ लिखा है, सुनो ध्यान से। हाँ 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 एकदम एकदम ठीक है। अरे बात सही है, सुनो ध्यान से। ठीक है ठीक ठीक समझ में आ गया। देखो भाई क्या बोला है, 20 लगातार सम संख्याओं में से अंतिम 15 का दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पांच का दिया ही नहीं है और बाद में कह दिया प्रथम पांच क्या कर दो, हटा दो। इसका मतलब क्या हुआ, एकदम ठीक है। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे थे अभी, उसकी बात कर रहे थे, इसलिए हमने इसको डील कर दिया। एकदम सही बात। सुनो भाई आप लोगों के पास समझ आई कि नहीं आई, एक बार देख लो, देखो ध्यान से, एकदम से गुड ध्यान दीजिए भाई, सुन लो क्या है इसका मतलब, सवाल का मतलब। भैया ये कह रहा है ना ये कि 20 लगातार सम संख्या, बहुत ध्यान देखना, एक दो और क्या तीन, कहां तक है ये 20 तक, यहां हमने लिख दिया 10, यहां क्या लिख दिया 10, ठीक, यहां हमने 10 लिख दिया, डॉट डॉट डॉट, यहां क्या लिख दिया 15, डॉट यहां क्या लिख दिया 20, बहुत ध्यान देखना। अब बोला है क्या अंतिम 15 क्या कर दो, अंतिम 15 का औसत क्या दिया, अंतिम 15 का के, अंतिम 15 मतलब कहां शुरू होगा, 5 से, तो यहां 5 लिख लो। इसका औसत कितना दिया है के, हाँ 6 से भाई, 6 सॉरी 6 से। इसका कितना दिया औसत के, अरे हाँ या ना। और उसके बाद फिर वो कह ही रहा है कि भैया एक काम करो, भैया एक काम करो, इनको क्या कर दो, हटा दो। तो जब इसको हटाओगे तो फिर से क्या बचेगा, के ही तो बचेगा, यही तो बात है। अच्छा सवाल है, अरे हाँ या ना, बढ़िया सवाल है भाई। ये तो वही वाली बात हो गई क्या, किसी को 200 देना है, किसी को 200 देना है, 500 देकर 300 ले लो, बात वही ना हुई, बात वही हुई। या अगर सेम रखना है, या अगर सेम रखना है तो किसी को अगर मान लो कुछ भी नहीं देना है तो उसको क्या करो, एक बार 20 रुपया दो और फिर दोबारा, उसको अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ आया था लेकिन चला गया। तो वही वाला सवाल है, आया अभी 1000 रुपया, ये किसके साथ होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई देखते हैं काम करता है, दिन भर खूब पैसा कमाता है, दिन भर घर जाता है तो कुछ नहीं रहता तो है उसके पास भाई, खासतौर से जो एटीएम में काम करते हैं, एटीएम में खूब पैसा रहता है, कितना पैसा कमी रहती है, खूब पैसा है, लेकिन घर गए तो कुछ नहीं है, वो क्या है समूह माया रहता है। तो ये वाली बात है, था तो हटा लिया गया, तो वही वाली बात है। एकदम शानदार है, बहुत बढ़िया, गुड, एकदम ठीक है भैया। लेकिन अगर हम लोग क्या कर रहे थे अभी इसमें सवाल में, हम लोग का ये क्या ध्येय था कि हम लोग को ये देखना नहीं था, हम लोग केवल इसको देख रहे थे क्या कि सम संख्या होगा, प्रथम 5 हटाएंगे, तो वो वाला मामला था। ठीक है एकदम ठीक, चले भाई गुड, आ गया ये एकदम शानदार, ये हो गया बहुत बढ़िया, ये तो हो गया, आगे बताना। हाँ देखो यही खोज रहे थे बस हम, इसको बताओ फटाक से, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत यम है, यदि अगली 5 सम संख्या को भी शामिल कर ली जाए, मजाक हो गया। हाँ एकदम ठीक है, क्या होगा यम प्लस 5। अरे रट लिए ना, तो अब किसी को कष्ट नहीं ना है, प्रथम 5 को हटाने पर औसत क्या होता है, बढ़ता है, अंतिम 5 को हटाने पर घटता है, अंतिम 5 को जोड़ने पर और प्रथम 5 को जोड़ने पर, क्लियर है ना भाई। बस 5 लगातार सम संख्याओं का औसत यम है, यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, मजाक हो गया, क्या हो जाएगा यम प्लस, एवरेज जो होता है बढ़ता है या घटता है कैसे, एवरेज क्या होता है बताओ, बढ़ता है या घटता है कैसे, डिफरेंस के आधे से इंटू व्हाट, जितनी संख्याएं हैं। ये बात याद रहेगी सबको, जितनी क्या रहे संख्या रहेंगे। ठीक है भैया कर लेंगे, एकदम ठीक, नेक्स्ट आइए आगे बताओ। अब उड़ा दोगे ऐसे ही आप लोग उड़ा दोगे, अब सवाल में दमे नहीं। देखो सेम आ गया, प्रथम 101 का 102 हो गया, तो अब क्या होना चाहिए, प्लस 1 हो गया, क्या होगा यहां पे, इवन, इवन मतलब सम संख्या। अभी तो पढ़ाए कि प्रथम 101 सम संख्याओं का औसत 102 हो गया, यन प्लस 1। कल को पूछ ले क्या, प्रथम ये हमने करवा दिया आपको, पहली पहली संख्याओं का औसत यन है, क्या है यन है, या यहां पे गैप कर दें क्या,
यहां पे, जैसे यहां पे दिया ना कि प्रथम ये 101 में हमने कर दिया संख्या हो गई, क्या हो गई, तो यहां पे हमने गैप कर दिया का औसत। का औसत क्या है? वही संख्या है। अब कौन लिखने जाएगा दोबारा उसको? वही संख्या है तो बताना यहां क्या होना चाहिए। वही संख्या है। अच्छा ये देखकर मत समझना कि ये सम संख्या, ये नहीं है, यही यही है, मतलब यही यही है, मतलब आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा। कंफ्यूजन हो गया क्या? हाँ हो जाएगा, क्योंकि यहां बच्चा सोचेगा ना कि ये सम संख्या है, सम से मतलब नहीं है, मतलब क्या है, ये एक संख्या है, ये प्रथम है, प्रथम, और पता नहीं कितना है ये, अब देखते रहो, जैसे ये प्रथम 101 है उसी तरह प्रथम ये इतना है, और इसका औसत वही है तो संख्या भी क्या होगी, वही होगी। या अगर छोटा लेना हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, कैसा जी हालत खराब हो गई हमारी ही, हमने कहा चलो ठीक है छोटा ले लो, प्रथम 2048, हमने कहा सम संख्या का औसत बताना भाई साहब, जहर हो चुके हैं आप लोग एकदम, 2049 हमने यहां लिखा, प्रथम 2048 और यहां क्या लिख दिया, विषम संख्या का एवरेज, तो क्या होगा, वही होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, एकदम शानदार। कर लोगे भाई? देखो इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है, आते हैं पेपर में इस तरह के सवाल, आंसर क्या होगा, इवन, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे आइए, अगला अगला क्या दिया भाई, अगला मजाक हो गया, 25 लगातार प्राकृतिक है, के है अंतिम 5 हटा दो, के माइनस 5 वाले सजग हो जाएं, इस बार क्या है, प्राकृतिक है, आधा करना पड़ेगा ना, तो के माइनस, अब बताओ, अरे प्राकृतिक है सिखाया ना, के माइनस अंतर का आधा इंटू संख्याएं कितनी हैं, 5, और आप जानते हैं क्या, ये होगा नया औसत, नया औसत, आप जानते हैं क्या बताओ, आप जानते हैं कि के माइनस और प्राकृतिक संख्या में कितने का अंतर होता है, 1 का, ये पूरा लिखना है ऐसे, तो के माइनस क्या हो जाएगा, 2.5, आंसर क्या होगा, 2.5, और जो आप गलती कर सकते हो दिया है यहां पे, गलती करने के लिए दिया हुआ है, हाँ बहुत ध्यान से, तो भाई ये देखना है ना आपको कि अगर प्राकृतिक रहेगा तो उसमें अंतर कितने का होता है, 1 का, उसमें आधा कर दीजिए, और सम विषम रहेगा तो वह कर दीजिए, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, एकदम ठीक है। आ जाओ अगला बता दो इसका, तो प्रथम 4 संख्या हटा दीजिए, के प्लस, ध्यान दो यहां क्या लिखा है, प्राकृत, तो प्रथम 4 तो कहेंगे अगर प्राकृत होगा तो उसका आधा कर देंगे और जोड़ देंगे, चूंकि क्या कर रहे हैं, पहले हटा रहे हैं, आंसर। अब बताओ डाउट है, आसान, अब तो याद हो गया होगा, अब तो याद हो गया होगा भाई, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, एकदम ठीक है, जो हमने बातें शुरू में बताई अगर उसको लेके चलेंगे तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा, हमने शुरू में वही बार बार बता दिया आपको कि प्रथम में हटाएंगे तो जोड़ेंगे, हटाएंगे छोटी छोटी संख्या हटा रहे हैं, जोड़ देंगे, और प्रथम में जोड़ेंगे तो कम हो जाएगा, अंतिम में जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, अंतिम में घटाएंगे तो, यही बात है और कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा ये सवाल चेंज हो गया, प्रथम संख्याओं में से ठीक है 6 के पहले, प्राकृतिक संख्याओं में से 6 के पहले 8 गुणजों का औसत, यह आसान है, 6 के पहले 8 गुणज 6, 12 कहां तक जाएगा, ये 48 तक, तो मजाक हो गया, 6 प्लस 48 का आधा कितना हो जाएगा, 54 का आधा कितना हो जाएगा, बताइए 27, लगाने की जरूरत नहीं है, आसान है, सही है, क्या बोल रहा है, 6 के पहले 8 गुणज, 6 के पहले 8 गुणज, तो 8 गुणज का मतलब क्या हुआ, 6 होगा,
12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 6 का पहाड़ा कितनी बार, 8 बार पढ़ना है। ठीक है भाई, एकदम ठीक है, करेक्ट कर लेंगे, यही इसका आंसर होगा। हाँ गजब, इन्होंने अच्छा सवाल पूछ दिया इन्होंने अच्छा सवाल पूछ दिया, क्या अंतिम अंतिम 8 गुर्जों का औसत, अब आर्यभट्ट को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, उन्हीं के बस का है, बाकी तो नहीं लग रहा है। हम आपसे कहें कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता पाएंगे, कभी कभी नहीं, तो वही वाला अंतिम नहीं पूछ सकता है यहां पे, ठीक ना, बिल्कुल। अब आर्यभट्ट ही बताएंगे भाई, अगला। हाँ अब लगाओ आप लोग, अब लगाइए, इसका आंसर बताइए फटाक से। एक दिवसीय मैच में टीम ए ने 50 ओवर की एक पारी में 5.3 रन प्रति ओवर के रन से रन बनाए, टीम बी खेल रही है और 5 ओवर बचे हुए हैं, टीम ए के स्कोर की बराबरी करने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 रन प्रति ओवर है, तो टीम बी का स्कोर क्या है। इस तरह का सवाल करवाया हमने आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो, कई लोग याद भी कर लिए लग रहा है हाँ करवाया है सवाल भाई क्लास में, एकदम आराम से। और बल्कि कल ये सवाल ग्रुप में भी शेयर किया था हमने, कल ही था ना या उससे पहले शेयर किया था पूरा, हाँ पूरा स्क्रीनशॉट शेयर किया था। एक दिवसीय मैच में टीम ए ने 50 ओवर की एक पारी में 5.3 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए, सुनो ध्यान से, टीम ए का कुल रन, टीम ए का कुल रन कहेंगे 50 गुणे कितना बताइए, 5.3, 5 × 3 = 15, 265 रन बनाई है भैया, भाई साहब 50 ओवर में 265 रन बनाए, बहुत कम रन है। अब बोल रहा है टीम बी खेल रही है, 5 ओवर बचे हुए हैं, ठीक है भैया, इसका मतलब कितना ओवर खेल चुकी होगी, 45। टीम ए के स्कोर के बराबरी करने के लिए आवश्यक रन रेट कितना है, 7.2, तो पता कर लेते हैं कि अंतिम 5 ओवर में कितना रन बनाई है टीम बी, ध्यान देना, टीम बी क्या है, टीम बी अंतिम 5 ओवर में रन, अंतिम 5 ओवर का रन, अंतिम 5 ओवर का, तो कहेंगे सर 5 गुणे कितना, कहां गया ये 7.535, 5×9=36, इसका मतलब बराबरी करने के लिए केवल 36 रन चाहिए, आराम है, वो भी बराबर कर रहे हैं भाई साहब, जीत नहीं पाएंगे लोग, केवल मैच क्या हो जाएगा, टाई मैच क्या होगा, ये टाई सुपर ओवर होगा, क्योंकि जितना अगर हमने मान लीजिए 265 रन बनाया, अगर आपने भी 265 रन बनाया तो कहां जीते हैं आप, मैच हो गया टाई, कोई नहीं जीता, क्या होगा सुपर ओवर, ठीक है भाई। अच्छा अब टीम अगर अंतिम 5 ओवर में इतना रन बना दिया है तो वर्तमान में टीम का स्कोर क्या होगा, टीम बी का, तो कहेंगे सर टीम बी का वर्तमान स्कोर, टीम बी का वर्तमान स्कोर कहेंगे सर 265 और -36 कितना। अच्छा ये बताओ, अगर सवाल थोड़ा सा मजा लेना चाहेगा ना तो कह देगा टीम बी को जीतना है, टीम बी को तब कितना स्कोर है, एक रन बढ़ा देंगे, हाँ एक रन ज्यादा होना चाहिए, मतलब वर्तमान की बात कर रहे हैं, अगर वर्तमान की बात करें कि टीम बी को हमको जीताना है तो एक रन बढ़ा दीजिए, क्योंकि बराबरी वाला मामला चल रहा है अभी, तो क्या आंसर होगा इसका, 229 तब जीत जाएगी। वर्तमान में क्या करना है, केवल देखो क्या लिखा है, बराबरी करना है, क्या करना है बराबरी, नहीं समझ में आया, हाँ देखो भाई सवाल कुछ नहीं है, सवाल ये कह रहा है ना कि हम है टीम ए मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, क्या है ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर का मैच खेला, 265 रन मार दिया, ठीक है भाई, भारत खेलना शुरू की,
भारत को यह पता चला कि भैया देखो अंतिम अगर मैच को बराबर करना है ना तो कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि लास्ट के 5 ओवर में 7.2 रन प्रति ओवर, मतलब एक ओवर में कितना रन मारना होगा, 7.2, तब जाकर बराबर कर लेंगे। इसका मतलब पहले ओवर मारे होंगे तब ना कह रहे होंगे, अपना हिसाब किताब बैठाए होंगे। तो हमने पता कर लिया कि लास्ट के 5 ओवर में भारत कितना रन मारी है या कितना रन मारेगी। तो कहेंगे मारेगी 36, कितना मारेगी, इसका मतलब पहले कितना मार ली होगी, 265 माइनस 36 कितना, 229। लेकिन ये मैच केवल बराबर हुआ है, अगर पूछ दिया कि भारत जीतना चाहती है एक रन क्या कर दीजिएगा, हाँ वो तो एवरेज की बात है, रन की बात कर रहे हैं, किस में बढ़ाना पड़ेगा, तब 36-37 कर दो भाई, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं कर सकते क्या, यहाँ पे बन चुका है, तो भाई अभी जीती भी कहाँ है, जीती भी कहाँ है, अब बढ़ाना है हमको, मान लीजिए ठीक है कि ये हमको, अरे भाई ये देखो ये जो है ना आवश्यकता है, ये क्या है आवश्यकता है, तो ठीक है इसमें एक बढ़ा दीजिए 37.4 हो जाएगा बिल्कुल, तो उसको डिवाइड कर लेंगे, पता कर लेंगे भाई, अगर 37 होगा तो डिवाइड नहीं कर लोगे 5 से, 5 से डिवाइड कर लेंगे 37 को तो क्या आ जाएगा, तो ये 5×7=35, अब 5×4=20, इसका मतलब अब कितना चाहिए, तो पूछ सकता है सवाल, अच्छा हो जाएगा कि अगर टीम बी को जिताना है तब क्या एवरेज होना चाहिए, 7.4, अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ इसका आंसर हो जाएगा 229। अगला सवाल सेम होगा, ऐसे ही तुरंत निपटा दो, अब इसका ऑप्शन नहीं है, लगाना पड़ेगा, आप लोग ऑप्शन खतरनाक बता रहे हो, इसको लगाओ आंसर बताओ। 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में प्रति ओवर 6.1 के हिसाब से रन बनाए, तो टीम ए का रन पता कर लीजिए, टीम ए का कुल रन 50 ओवर, कहेंगे सर 50 गुड़े कितना 6.1, 5×5 × 5×6 ये रन थोड़ा ठीक ठाक है भैया, 305 रन अच्छा रन है, और टीम भी खेल रही है और 10 ओवर बचे हुए हैं, तो मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट इतना ओवर है, तो टीम बी का स्कोर क्या है, ठीक है भैया लगा लो, टीम बी का अंतिम 10 ओवर का रन, अंतिम 10 ओवर का रन, 10 ओवर का रन बताना, कहेंगे सर 10 गुणे कितना 6.5, ये इतना मारना है, इसका मतलब टीम इंडिया कितना मार चुकी होगी, वर्तमान स्कोर, वर्तमान बी का स्कोर, कहेंगे वर्तमान बी का स्कोर हो जाएगा कितना 305 और माइनस कितना 65, 240, इतना भैया साहब बना के खेल रही, एकदम लगे हुए हैं लोग, आंसर नहीं दिया इसका कोई बात नहीं, ऑप्शन लिख लीजिए यहाँ पे 240 इज द आंसर, 240 इज द आंसर, ये साल दोबारा चल रहा है, आप लोगों को पता है, आपको नहीं पता है, दोबारा चल रहा है, लगवाए हैं, हाँ 229-240 सेम है, जाके आप ग्रुप देखिए, आप चेक करिए मिल जाएगा सवाल, लेकिन आप लोग तो भाई पता नहीं क्या करते हो। हाँ बिरजू महाराज, आपने कहा था ना कि सर विकेट वाला एक मैच और ले लीजिए सवाल, देखिए ध्यान से लगाइए इसको, आंसर बताइए, याद है, लगाइए, याद करिए इस सवाल को, ये बिरजू की वजह से हमने एक सवाल पढ़ा लिया आज, ये वाला कितना आंसर आएगा, ध्यान दीजिए, इसमें एलिगेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे एलिगेशन, हमने क्या सिखाया था, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 है, हमने करवाया था एलिगेशन से, 52 रन देकर 5 विकेट लिया, तो 52/k याद करो, पांदा अब 5×5 को
कितना हो जाएगा 10.4। ठीक, अब ऐसा करने पर क्या हुआ, 0.85 कम हो गया, तो 0.85 क्या करिए इसमें घटा दीजिए भैया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा इसमें से घटाना है, और लगा दीजिए क्या एलिगेशन, चलो घटाओ, ये घटाओ कितना बचेगा 6 इधर से और कितना 13 उधर से, 13.6 और ये कितना होगा 0.85। ध्यान देना, अब 10.5 हटा लो, ये क्या लिखो 1360 और यहां क्या लिखो 85, 17 × 8 = 17 × 5 आया ना, काट लीजिए क्या बचेगा बताओ, कहना सर यहां बचेगा कितना, थोड़ा और छोटा कर लेते ताकि देखे, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो ध्यान दीजिएगा, समझिए, लगा पा रहे आप लोग सवाल को, देखिए ध्यान समझिए, 24.85 है, ये क्या है एक मैच का है, 52 रन देकर क्या किए भाई साहब 5 विकेट लिए हैं, तो औसत क्या हो जाएगा 5 × 20 क्या लिखेंगे यहां पे 10.4, और ऐसा करने से उसका एवरेज बढ़िया हो गया, शानदार हो गया, 0.85 कम हो गया, तो क्या लिखोगे 24., बस खटा दो यही होगा, अब घटाइए इसको सही से, ये कितना आया था घटाने पर 13.6 और ये कितना आएगा 0.85, अब 100 से गुणा कर दीजिए 1360 हो जाएगा ना, तो क्या लिखे बताओ 17 × 8 = 17.5 = 16.5 = 80, हालांकि मत करो रहने दो, एकदम शानदार बैठ गया हमारा, ये हो गया कितना 80 और ये कितना हो गया, देख रहे हो सेटिंग है, ये क्या हो गया सेट, वो बोला भी है एक मैच में 52 दे के कितना विकेट लिया है 5 और यहां कितना विकेट लिया है, ये जो आया है पता है क्या है, विकेटों की संख्या है, क्या है विकेटों की संख्या है, विकेट की संख्या, अब पढ़ो सवाल क्या पूछा है, तब अंतिम मैच खेलने तक, पूरा पूछा है अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या 85, आंसर क्या होगा टोटल विकेट, टोटल विकेट कितना होगा बताओ 80 + 5 = 85। इससे पहले वाला सवाल याद करिएगा, उसमें क्या पूछा था अंतिम मैच से पहले, तो अंतिम मैच से पहले कहेगा तो इधर वाला आंसर 80 होता, क्लियर है ना भाई, तो ये सवाल अच्छा है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, हाँ तो कम हुआ तो भी तो घटा है, ये 24.85 था, ये क्या हुआ है बताइए, यहाँ क्या हुआ है कम हुआ है ना, तो कम हुआ तो घटा दीजिए 24 आ गया, बढ़ जाता जोड़ जाते, ऐसा ही बताओ बल्लेबाज क्या चाहता है एवरेज बढ़ जाना, गेंदबाज क्या चाहता है एवरेज घट जाना, क्योंकि एवरेज घटेगा तो इसका मतलब गेंदबाजी अच्छा कर रहा है वो, रन कम देगा वो, इसका यही मतलब हुआ, तो घटने का मतलब उसका परफॉर्मेंस बढ़िया हो रहा है गेंदबाजी का परफॉर्मेंस, और बल्लेबाज चाहता है कि हमारा एवरेज क्या हो बढ़े, ठीक है बिल्कुल। अच्छा मान लो अगर ये सेट नहीं होता तो यहां ये 5 कमान किसके, मान लो यहां कर देता 5 कमान 10 कर दे 10 विकेट, तो 5 कमान 10 एक कमान दो तो निकाल देते 85 कमान 170 आ जाता, कर लेते आ गया, ये हो गया, ये लगाओ 222 और 250 के बीच सभी सम संख्या को बताइए, निपटाइए इसको जल्दी बताइए, एकदम ठीक है, इसका बताइए आंसर क्या होगा 222 और 250 आ गया, आसान है, यहां लिखा है बीच, बीच का मतलब उसको लेना नहीं है छोड़ना है, तो 222 नहीं लेना 224 और 226 और 200-250 के बीच इसके पहले क्या पड़ जाएगा 248 एवरेज 224 + 248
अब बटा कितना, दो। कहेंगे आठ चार बारह का आधा छः, क्यों इकाई अंक, आठ चार बारह का आधा कितना होता है, इकाई अंक में छः ही आएगा, नहीं तो गलत है। हाँ ले लीजिए, बोला गलत बात है, लेकिन सेट हो गया है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। हो आठ चार बारह, चार दो छः एक सात, अब यहाँ पे ना कई लोगों की गलती भी छिप जाती है, वो पहला और लास्ट लेकर जोड़ के आधा कर देंगे, हो गया काम, तभी भी आ गया, जनता बता रही है तब वो आ रहा है। दो सौ दो, पाँच दो भाई, दो इधर का, दो उधर का, फिर सेम आ गया, बैलेंस कर दिया, दोनों हो गया ना, बैलेंस कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ऐसे ही करेंगे आप। मान लो यहाँ पे 222 लिख दिया और यहाँ पे 259 लिख दिया, तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा, तब समझिए नहीं हो, तो 258 हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक। आंसर क्या आएगा, 236। कर लेंगे, प्रथम 39 सम संख्या का औसत, कलम न उठाना, ये नहीं कि लिख रहे हैं पूरा बढ़िया से, 39 का क्या होता है 40, यहाँ क्या लिखा है बस समझ रही है, नहीं बच्चे पढ़ने के बाद फिर क्या शुरू करते हैं, हो दो प्लस दो के बाद क्या चार छः डॉट 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 डॉट, उसके बाद निकालना शुरू करते हैं। ऐसे करेंगे क्या आप, कभी नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे बोलता है विषम तो क्या हो जाता आंसर 39, सम बोला है तो 40, मजाक, कुछ नहीं करना, आगे आइए। छः क्रमवार, हाँ छः क्रमवार विषम संख्या का औसत 48 है, तो न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या, अच्छा सवाल है, सोचिए आप बताइए। 10 ये करवाए थे ना हम लोग, याद किया आप लोग खतरनाक, तब एकदम ठीक है। चलिए भाई ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है सवाल, छह क्रमवार विषम संख्या का औसत 48 है, क्रमवार मतलब क्रमागत, विषम संख्या है, हाँ बताओ 48 हो गया, आगे पीछे करना है। इसके पहले विषम संख्या क्या होती है 47, इसके पहले क्या होगी 45, इसके पहले क्या होगी 43, तीन इधर तीन इधर, 49 51 और 53। अब बोला है सबसे लोवेस्ट ये हो गई, ये क्या हो गई न्यूनतम है ना, सबसे न्यूनतम, और ये क्या है सबसे अधिकतम, इन्हीं का अंतर पूछा है, अंतर डिफरेंस, तो 53 माइनस 43 क्या हो जाएगा 10, आंसर विल बी 10। लेकिन ये बताओ कल को यहीं पे 40 लिख दे तो क्या पूरा बैठाएंगे क्या, हालत खराब हो जाएगी, कभी नहीं बैठाएंगे। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमने ये भी सिखाया था आपको, डायरेक्ट न्यूनतम कैसे निकालोगे, डायरेक्ट ट्रिक से डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, याद है, हाँ डायरेक्ट निकालेंगे न्यूनतम बिना लिखे, कहेंगे देखिए सर जी सुनिए 48 है, कितना है 48 है, 48 है न्यूनतम निकाल रहे हैं, तो 6 है, 6 से एक कम कर दो, घटा दो, खत्म, डायरेक्ट आ जाएगी क्या 43। अधिकतम पूछे तब कहेंगे देखिए, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट वही काम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 43 प्लस 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 43 प्लस 5। हम क्यों सिखा रहे हैं भैया, कल को बोल देगा 100 क्रमागत विषम संख्या का औसत इतना है, अधिकतम बताओ, अच्छा ओहो 43 कैसे लिख दिया हमने, ओहो
भाई ये औसत में जोड़ना है आपको, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 48 प्लस 5 कितना जाएगा 53 कर लेंगे। याद रखिएगा डायरेक्ट लगाइएगा, बिना लिखे लगाइएगा, बिना लिखे सही है। कर लीजिए नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए। हाँ एकदम ठीक है आप लोगों का भी, गुड सही है भाई, कर लेंगे। ये हमने क्यों बताया ट्रिक, क्यों बताया बताइए आप, क्योंकि यहाँ पे 6 ही दिया ना लिख लिए, कल को 40 दे दे तो हालत खराब हो जाएगी, इसीलिए ट्रिक आपको याद रखना है। और ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे अभी हम लोग आगे, देखिएगा ध्यान से। न्यूनतम में क्या करेंगे, औसत लिखेंगे, घटा देना है संख्या एक कम करके। अधिकतम में क्या करेंगे, जोड़ देना है संख्या में कम करके। और अगर कुछ भी नहीं करना है तो ये पूरा करिए। नेक्स्ट ऐसा सवाल होगा और आगे देख लो आगे जो कह रहे थे। प्रथम 40 सम संख्या का औसत, आई भी पूछा गया। अरे लगातार का मतलब प्रथम बोल दिया तो वही मतलब हुआ ना, लगातार 40 तो वही है और कुछ नहीं। लगातार लगातार बोला है ना भाई, कहीं से भी चालू कर दें, कहीं से भी चालू कर दो भैया, तब कहाँ से चालू करें आप बताइए, तब आप ही बताइए, तब चालू कहाँ से करें हम, फिर कहाँ से बताइए भाई, कहाँ शुरू करोगे, दो से शुरू करेंगे ना लगातार 40, 12 से करें, कहीं से भी करिए, लगातार 40 सम संख्या का औसत। चले भाई आइए शुरू करते हैं, चलो मान लो कुछ भी ले लो, आपको डाउट क्लियर कर देते हैं। सुनिए क्या, मान लीजिए हमने लिख दिया, हालांकि यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे और थोड़ा क्लियर करने के क्या लिखना चाहिए इनको, प्रथम तो थोड़ा और अच्छा रहता, हो सकता है प्रथम 40 सम संख्या का औसत कितना होगा तो ये अच्छा रहता, थोड़ा सेंटेंस और क्लियर करने के लिए रहनी चाहिए बात, क्योंकि हम लोग जब भी लिखते हैं यहाँ क्या लिखते हैं, प्रथम ही लिखते हैं, हम कहें प्रथम 100 तो ही होता है ना ऐसा, यहाँ पे प्रथम होना चाहिए, प्रथम क्या होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि भाई प्रथम नहीं होगा तो फिर कहाँ शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग जितना सवाल किए समय क्या था, प्रथम, क्योंकि प्रथम नहीं देगा। अच्छा ये बताओ मान लो अगर प्रथम नहीं दिया हमने, हमने कह दिया लगातार 4 सम संख्या का औसत, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं बोला ना तो बच्चा यही सोचता है क्या कि प्रथम ही होगा, बच्चा यही सोच लेता प्रथम ही होगा, क्योंकि अब 4 कहाँ शुरू करेगा वो, उसको लगता है यही होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और क्या होगा, 8 होगा, और क्या होगा, इसका औसत क्या हो जाएगा बताओ, कहेंगे देखो पहला और अंतिम 8 प्लस 2 उठा के 2 10 का आधा कितना आएगा, आएगा तो 5 ही, तो यही है। हालांकि सवाल को और थोड़ा क्लियरिटी करनी चाहिए, इन लोगों को लगातार प्रथम भी बोल देते अच्छा रहता, सही है ना, 6 लगातार, हाँ ये हो गया ना भाई, इसका यही होगा 41, यहाँ पे प्रथम होना चाहिए, कुछ जुगाड़ ढूंढ लिए क्या है, हाँ छः का दोगुना करके, हाँ हो जाएगा, सही है हो जाएगा, बिल्कुल उसमें कोई देर नहीं, हो जाएगा, बात एकदम सही है, बात यह है कि जो बना रहे हो परमानेंट रहे, नहीं नहीं सही होगा बस, हाँ नहीं वो यहाँ रहेगा दिमाग में रहे आपके, वो तो हमको भी पता है यहाँ भी रहेगा दिमाग में रहे, बस ये बात याद रखो कि न्यूनतम कैसे निकालते हैं और अधिकतम कैसे निकालते हैं, वो तो अंतर के लिए ना। अरे भाई क्या हर सवाल में अंतर है पूछेगा, लो करें जी सर, हर सवाल में अंतर पूछेगा, हाँ कर लेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन हर सवाल में ये जरूर रहेगा ये, ठीक है भाई बाकी ठीक है। चलो देखो इसमें क्या पूछा, आप 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, तो पूछा क्या सबसे छोटी, छोट के लिए क्या पढ़ाया था हमने, मिनिमम के लिए याद है 53 माइनस 1 कम कर दो 9 माइनस 1 देख लो,
तीन इधर से, पांच उधर से। पूछता मैक्सिमम तो जोड़ देते। अब अंतर ले लीजिए और आप भी कर लीजिए, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका? 45। तो छोटी छोटी का मतलब मिनिमम होता है, मिनिमम का मतलब न्यूनतम होता है। कर लेंगे भाई। डाटा एंट्री ऑपरेटर, DEO, ठीक है, एकदम ठीक है। कर लेंगे ना ये सवाल, ये सब चीजें दिमाग में रहेंगी ना कैसे करना है। अब नौ संख्याएं नहीं ना लिखेंगे, चार इधर चार उधर नहीं लिखना है, सब याद होनी चाहिए भैया आपको। एकदम सही है भाई साहब, जहर हो चुके हैं आप, एकदम एकदम जहर हो चुके हैं। हो गया ना भाई ये। ये देखो प्रथम दस प्राकृतिक संख्या घनों का औसत बताओ, प्राकृतिक का आंसर ये लगावा है हमने, इसका आंसर बताइए जल्दी से। घन है घन, क्यूब, क्यूब है क्यूब। हाँ आप लोग भी आंसर बता दे रहे भाई, चंबल के डाकू बता दे रहे आंसर आप लोग भी, आपने पूरा चंबल ही लूट लिया। प्राकृतिक संख्या घनों का औसत बताइए, घनों का औसत फॉर्मूला याद होना चाहिए। तीन सौ दो दशमलव, दो दशमलव पांच भाई, फॉर्मूला याद है सबको? नहीं याद है याद कर लो। प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के घनों का क्या बताना है? योग। अगर ये बता क्या होगा फॉर्मूला इसका, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटा के चार। बात करते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्या औसत। तो जब बात औसत की हो जाती है, क्या भाग कर देते हैं एन से, देखो भाग कर दो, तो क्या आ जाएगा? एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड कितना? फोर। इसी में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। रखो, रखेंगे तो क्या होगा? एन का मान दस, एन का मान दस और गुणे कितना? ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस बटा के चार, सही है। कितना हो जाएगा ये? बारह सौ दस, दो से काट लो, दो दूना चार, पाँच एकम पाँच, पाँच दूना दस, पाँच एकम पाँच एक छः, ठीक। अब ऊपर नीचे पाँच का गुणा कर लीजिए, दसमलव लगा दीजिए या भाग कर दीजिए जो आपको लगे। दो तीन छः, दो दूना चार और दो पाँच दस, आंसर क्या होगा? तीन सौ दो दशमलव पाँच। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर है, का होल स्क्वायर बाई फोर। फॉर्मूला याद होगा तभी कर पाएंगे अभी सवाल, नहीं तो छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। कर लेंगे भाई, तो आंसर आ जाएगा तीन सौ दो दशमलव पाँच। बेसिक चीज़ें हैं तो इसमें कोई दम कहाँ है सवाल में। आइए, हो गया, लिख लें आप लोग, ये सब चीज़ें आसान है ना, कठिन नहीं है। हाँ ये लगाओ, ये लगाओ, निम्नलिखित संख्याओं का समांतर माध्य बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। याद है देवेंद्र करवाया था इस तरह का सवाल आप लोगों को? कितना? आठ चार, ठीक है भाई। लग रहा है मुलाकात हो गई क्या दोबारा, इतना खतरनाक बता दीजिए। अरे पहला और लास्ट, ना 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 इसमें बता रही भाई साहब, अरे दूसरा सवाल है। एक साथ आधा कर दिए, लो खत्म हो गया सवाल है, सवाल ने दम तोड़ दिया यहाँ पे भाई साहब। वो सवाल दूसरा है भाई, ये मिल गया तुरंत पहला। देवेंद्र याद करिए, पढ़ाया हमने आप लोगों को। हाँ
सब लोगों को पढ़ाया हमने एवरेज की क्लास में, जब पीईटी का क्लास ले रहे थे। हाँ हाँ, जीडी में भी पढ़ाए थे, पीईटी में भी पढ़ाए थे, दोनों पढ़ाए थे। आए? हाँ नहीं, एवरेज में पूछा जाता है। आए? हाँ कितना आएगा, किसका चौदह आ रहा है बताओ भाई, कैसे लगाओ आप टोटल जोड़ने पर? हाँ सबको पकड़ के जोड़ दिए, कौन जाए इतना इधर उधर करने। हाँ संख्या गिने आप, संख्या कितनी है? 28। फिर नहीं नहीं अरे औसत का मतलब कॉमन सेंस भी तो लगाओ, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो कॉमन सेंस लगाइए। हाँ अरे भैया, अगर औसत का मतलब कुछ भी नहीं आता कॉमन सेंस लगाओ, इतना तो लगा ही सकते हैं ना आप। कितना आ रहा है? 20। आपने कैसे लगाया? हाँ एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, बिल्कुल फार्मूला ही लगाना है। या तो इसका एक फार्मूला डायरेक्ट होता है, अगर आपको याद हो तो, कितना? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा है, तो है दूसरा वाला लग जाएगा। देखो भाई सुनो, एक काम करो, चाहिए बताओ इसमें संख्याएं कितनी हैं? अरे 28 संख्याएं नहीं हैं, हैं सात ही संख्याएं, 28। देखो ये बेवकूफ बना रहा, अगर ये ऐसे भी लिख देता ना तो जिंदगी आसान हो जाती, ऐसे लिख देता तो, लिख नहीं रहा हो। देखो ध्यान से, ये है एक, ये क्या है? एक। और ये क्या है? दो का स्क्वायर। और यहां देखो, अब ऐसे लेंगे तो तीन का क्यूब, और हाँ तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे? बहुत ध्यान से, किसको? हाँ 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 सॉरी सॉरी, ठीक ठीक ठीक, अरे जोड़ेंगे ना, अरे हाँ ठीक है जोड़ेंगे ना, चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह, ठीक ठीक ठीक। अब पांच का स्क्वायर और फिर छह का स्क्वायर, फिर ये होगा, ऐसे ये कहना चाहता है सवाल। अब तो कोई लगा लेगा, अब तो कोई लगा लेगा एवरेज। क्या कहेंगे सर? बोलेंगे यन का मान कितना, यन इंटू यन प्लस वन इंटू टू यन प्लस वन, अब बड़ा कितना? सिक्स। संख्याएं कितनी हैं? सात। सही है, सात सात क्या हो गया, कट गया, दो तिया छः, दो चौको आठ, तीन पाँचे, अब पांच चौको, ये है भाई साहब कतई जर सवाल है। कई लोगों को समझ में ही नहीं आएगा सवाल कहना क्या चाहता है, लेकिन देखो ऐसा ही पेपर में लिख क्या आया, ऐसा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है भाई, सात एवरेज आ जाएगा बीस, कितना आएगा? बीस। यन यन प्लस वन टू यन प्लस वन बाई सिक्स, और संख्या कितनी है? सात। हाँ क्या 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 बोलिए भाई, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ क्या बोल रहे हैं बताइए। अच्छा पूरा गिन लिए क्या आप? पूरा गिन लिए हो क्या? ध्यान दीजिए भाई, समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा अभी गलती है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, पता है आपको क्या? यहाँ पे थोड़ा गलती है, बताएं आप लोग क्या गलती हुई है?
यहाँ पे जो संख्याएं होंगी ना वो सात नहीं है संख्याएं, ये तो आपने इनको बना दिया है, जोड़ के बना दिया है। देखो भाई ध्यान सुनो, ये सवाल बड़ा बढ़िया है। ये संख्याओं का आपने क्या कर दिया है, उसको अलग अलग था, संख्याओं को जोड़ के बना दिया है ना आपने। संख्याएं तो रियल में अगर देखा जाए, सुनिए आप, सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से भाई, अच्छा सवाल है, गलती हो जाएगी। देखो भाई फिर से एक बार देखो, बहुत ध्यान देखिए, आपने इन संख्याओं को कंबाइन कर दिया है ना, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, फिर तीन का स्क्वायर, फिर चार का स्क्वायर, फिर पांच का स्क्वायर, फिर छह का स्क्वायर, फिर ये तो किए हैं आप, इनका योगफल निकाल लो आप, पहले योगफल निकालो, बहुत ध्यान से भाई। हाँ योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन, अब बड़ा कितना, सिक्स, बहुत ध्यान से भाई। अच्छा ये इसको हटाओ दो भी, पहले योगफल निकालो, काटो इसको, कितना आएगा, दो तीन छः, दो चौक को आठ, तीन पाँच पंद्रह, कितना होगा, चार पाँच बीस, एक सौ चालीस, बहुत ध्यान से, एक सौ चालीस। अब अगर देखा जाए एवरेज निकालने के लिए करते क्या हो, योगफल अब बटा के संख्या, तो संख्या अगर देखेंगे ना, गिनेंगे ना, तो संख्याएं कितनी हैं, अट्ठाईस, अट्ठाईस पाचे, हाँ ये सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा है, क्या करो कुछ भी नहीं आता तो सबको जोड़ लो और संख्या गिन लो। अब सुनो इसके लिए ट्रिक क्या होती है, मान लो इस तरह का सवाल आ गया, ये सातें तक दिया है ना, कल को क्या दे दे, बीस तक, तीस तक, तब क्या करोगे, ट्रिक देखो, ट्रिक यहां देखो, सभी लोग यहां देखो, एक लाइन में ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, ट्रिक होगा टू एन प्लस वन बाई थ्री, दो गुड़े, यहां कैट हुए हैं सात, दो गुड़े अब प्लस एक, अब बटा कितना, सात दुना चौदह एक, पंद्रह बटा के, मुस्कुराओ, खत्म, मत पढ़ना इस चक्कर में, फार्मूला याद कर लो, क्या सीधे टू एन प्लस वन बाई थ्री, जाके घर कापी खोजिएगा, मिल जाएगा ये फार्मूला। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करते हो, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, रिवीजन नहीं हो रहा है इसका, मतलब जो नोट्स पढ़ाया गया आप लोगों को, हम देख रहे हैं आप लोगों को, जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो आप लोग, कुछ और पढ़ रहे हो, और यही एक असफलता कारण बनेगा, जान लीजिए, बार बार बोल रहे हैं आपसे, कितना पढ़ा दिया आप लोगों को, थोड़ा एक बार जाके नोट थोड़ा खोलिएगा, तो जीडी वाले में पढ़ाया पिछले बैच में 2021 वाले में, और पीईटी वाले में पढ़ाया हमने, ये जाके नोट्स खोलिएगा एक बार तो, और पता नहीं आप लोग क्या पढ़ रहे हो बताइए, दो दो बार पढ़ाने के बाद ये हालत है कि सवाल आप लेके नया लग रहा है, भूल जा रहे हैं आप लोग, ये बहुत गलत बात है। बार बार हमने कहा है कि देखो जितना पढ़ाया गया उसका रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, नहीं पढ़ते रह जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, पढ़ते रह जाएंगे। और आजकल बच्चों की आदत हो गई नया नया पढ़ने की, बस खोज खोज के पढ़ रहे हैं, इधर उधर जा जाके वो खोज खोज के पढ़ रहे हैं बस, वो पुरानी चीजें जो नोट्स बनाया गया वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनको बस एक एडिक्शन लग गया ऑनलाइन का, ऑनलाइन ये पढ़ाया जा रहा है पढ़ो, बाकी जो पुरानी चीजें पढ़ाई गई हैं कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में अगर किसी बच्चे से अगर नोट्स मांग लिया जाए ना, नोट्स भी नहीं तैयार होगा उसका, क्योंकि बच्चा क्या है ऑनलाइन पे डिपेंड हो गया है पूरा, ऑनलाइन पढ़ रहा है, लेकिन ये भी तो देखो ऑनलाइन पढ़ो तो नोट्स भी तो बनाओ, ऑनलाइन पढ़ रहा है लगा लिए खत्म। और बच्चा जो अगर ऑफलाइन में पढ़ा है, अगर बच्चा ऑफलाइन में पढ़ा है उसका कोई नोट्स ही नहीं है, उसका गायब, वो ऑनलाइन मजा ले रहा है, बस पढ़ रहा है, लगा रहा है सवाल, उसको ये लग रहा है कि जो हम ऑफलाइन पढ़ाएं उसका क्या, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और बार बार हम यही कहते हैं कि जो ऑफलाइन पढ़ाया गया है, जो पढ़े हो या कहीं से भी पढ़े हो, ऑनलाइन से भी या ऑफलाइन से, उसका नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, यही से सवाल घूम घूम के आएंगे, और एग्जाम में गलती होगी, हो चुकी है गलती, गलती हो जाएगी, इसलिए बात समझा रही, हम देख रहे हैं कि मतलब सबका वही हाल है, सब लोग नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं कहीं और देखना देखना यही एक असफलता कारण बनेगा। इतना बार बोलने के बाद ये हालत है आप लोगों की, आज मन दुखी हो गया हमारा, इसका मतलब आप लोग को जो पढ़ाया गया नोट्स आप लोग पढ़ो नहीं रहे हो, आप लोग किसी और दुनिया में जी रहे हैं, तो जिए, आप करिए क्या करना है। हाँ बोलिए भाई, बोलिए बोलिए, समझ में आ गया जी, आप लोग पढ़ो इसी तरह इधर उधर घूम घूम के, जो पढ़ाया गया नोट्स उसका रिवीजन करना नहीं है आपको,
ये चीजें दो बार पढ़ाया हमने, जीडी में पढ़ाया, पीटी में पढ़ाया, उसके बाद ये हालत है। सवा लग रहा है कि आप लोगों को नया लग रहा है, इसका मतलब आप लोग नोट्स बनाते नहीं होंगे, रिवीजन नहीं करते होंगे, सब पढ़ाना लिखाना बेकार है आप लोगों का, आप लोगों को आदत लग गई है घूम घूम पढ़ने वाली कि जब तक 75 चैनल घूम के पढ़ेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। अरे जितना पढ़ाया गया पहले नोट्स का रिवीजन करो, अगर नोट्स जितना पढ़ा दिया क्या वो तैयार है पूरा? नोट्स पूरा पढ़ लो मैथ का, उसके बाद कहीं यूट्यूब चैनल पे जाओ, लगाओ सवाल को, देखो एक भी सवाल नहीं बचेगा आपका। जितना हमने एवरेज में पढ़ा दिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा दिया, कोई भी चैप्टर पढ़ा दिया हमने, परसेंटेज जाके किसी चैनल पे लगाओ सवाल। हम तो चैलेंज देते हैं आपको कि हमारा जो ऑफलाइन बच्चा क्लास किया होगा, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे SFLCM हो, चाहे कोई भी हो, वो पढ़ लो पूरा, जाके किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, जहां भी जितना भी चलता होगा जाके सवाल लगाओ, लग जाएगा। लेकिन बच्चा गलती कर रहा है ना, वो हमारा नोट्स ही बढ़िया से नहीं पढ़ रहा है, उसको लग रहा है ये तो पढ़ ही लिए हैं अब नया पढ़ते हैं। तो भैया नोट्स को हमने बार बार कहा है कि उसको रट डालो नोट्स को। अगर थोड़ा सा अगर आपके अंदर थोड़ा सा अगर विचार होगा तो एक बार घर जाकर नोट्स को खोलिएगा। अगर हम झूठ बोल रहे होंगे ताकि हमको कहिएगा, दो बार पढ़ाया जीडी वाले बैच में पूरा और पीटी वाले बैच में, उसके बाद ये हालत है कि अब लगा नहीं पा रहे सवाल। अब बताइए क्या मतलब कोई उम्मीद करे कि आप लोग क्या कर रहे हैं घर पे? अब आप ही लोग जाने क्या कर रहे हैं घर पे, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं कौन सी नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए जो नहीं पढ़ाया उसका तो नहीं लगा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग पढ़े हैं वो लोग नहीं बता पा रहे हैं तो उन लोगों से क्या हम क्या बोले उन लोगों को, बहुत गलत बात है। इसलिए बार बार यही बात क्लास में भी करती हैं कि पढ़ाया जा रहा है करंट अफेयर, जब सवाल पूछते हैं तो गायब रहता है। लगा मतलब यहाँ बच्चा करंट पढ़ रहा है ना, घर जाकर कुछ और कर रहा है वो, किसी और दुनिया में चला जा रहा है वो, यहाँ उसको लग रहा है कि मतलब पढ़ाया जाएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अरे करंट में क्या कोई बदल जाएगा, उसको तैयारी नहीं है, यहाँ अगर पढ़ाया गया कल का आज का पूछ लिया जाए गायब, ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत है। अगर यहाँ फिर आ क्यों रहे हो भाई पढ़ने यहाँ पे, जब वही चीज तैयार नहीं है आपकी तो। इसलिए अभी भी समय है, बदल लीजिए अपने आप को, बदल लीजिए, जितना चीजें पुरानी है उसका रिवीजन शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बता रहे हैं जो स्थिति हमको दिख रही है ना, कि जितना हमने मेहनत करके इतना से पढ़ाया है कोई फायदा नहीं उसका, रिवीजन कर ही नहीं रहे आप लोग, बस नए चक्कर में पड़े हुए हैं कि ये वाला वो वाला ये वाला वो वाला, घूमते रहिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, घूमते रहो इसी तरह। कल को अगर इस तरह सवाल दे दिया, एक दो दो तीन तीन तीन, दो दो तीन तीन तीन, चार चार चार, अब वो पूरा लिखेगा ही नहीं, लिख देगा ऐसे डॉट डॉट डॉट, चार 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 लिख देगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिख देगा दस दस दस, दस बार बोलेगा, इसका औसत बताओ का औसत। तो हम कहेंगे इसका डायरेक्ट फार्मूला हम जानते हैं, एवरेज क्या फार्मूला था अभी, 2n+1/3, तो 2×10। अब जाके देखना, अगर थोड़ा सा भी शर्म होगा आपको तो, ये सवाल भी क्लास में करवाए हैं 21, ये सवाल करवाए करवाएं, जाके देखना एक बार, 10×2=20, 1×21=3, 3×7 आंसर कितना आएगा 7, एकदम हूबहू सवाल हमको याद आ रहा है, हूबहू करवाएं कॉपी में, लेकिन नोट्स बनाया होगा अगर होगा तब मिलेगा, नोट्स अगर होगा तभी मिलेगा, नहीं तो शायद गायब हो गया होगा सवाल। ये सवाल पूरा नहीं लिखेगा वो, लिख देगा 10 बार है, 20 बार है, तो कितना खतरनाक सवाल हो जाएगा, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, अब गिन पाओगे क्या कभी? साथ में हालत खराब थी, 10 दे दिया, कल को 15 दे देगा, कल को 50 दे देगा, लगाते रहिए। बार बार आप लोगों से कहा जाता है कि जो पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करो, रिवीजन करो, पता नहीं कहाँ हो आप लोग इस दुनिया में। एक दो दो तीन तीन तीन, चार चार चार, डॉट 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 लिख दिया यहाँ पे, 50×50×50 बार, तो कहेंगे डायरेक्ट निकालेंगे एवरेज इसका 2n+1/3, कितना हो जाएगा ये, एक सौ एक, कहाँ 17 आएगा भाई, 3 तिली के
नौ, तीन तिली के नौ, तीन छक 33.67 आएगा, 33.67 का आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो अब देता हूँ ये कितना खतरनाक सवाल हो गया, 50 बार दे दिया आप, दे दिया कि नहीं दे दिया 50 बार। ठीक है, चलो ये बताओ, ये वाला तो लगा दिए फिर भी बताओ, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत में 72 है, बाद में पता चला कि तीन अंक इस बार ले लिया। ठीक है, लेना क्या चाहिए था, सही क्या है, बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62, 84 गलती से ये ले लिए गए, गलती से 68 और 73, मतलब लेना क्या चाहिए था 64 और क्या 62 और क्या 84, लेकिन गलती से ले लिए, गलती कहेंगे 68, 65 और 73। एक काम करो, पूरा जोड़ो मत, इतना समय नहीं हमारे पास, पूरा ना जोड़ो, सुनो आप ध्यान से, अब जब पूरा जोड़ के अंतर लेंगे इससे अच्छा हम यहीं पे अंतर लेना शुरू करें, क्या जरूरत है। अब ध्यान दो, यहां पे लेना था 64, ले लिया 68, गलती हुई -4 की, ध्यान दो, अब पूरा नहीं जोड़ेंगे -4, लेना था 62 ले लिया 65, गलती हो गई, कितना गलती हो गई -3, लेना था 73 ले लिया 84 बढ़ा के ले लिए, कितना हुआ, ऐसे करना सीखिए, अब 4 3 7 कितने का अंतर आएगा, अब चेक करिएगा आएगा अंतर 4 का, आएगा कि नहीं आया 4 का, पूरा करेंगे जोड़ेंगे, कभी नहीं जोड़ेंगे पूरा, कल को 5 संख्या दे जाए 10 संख्या दे तब क्या करेंगे, कभी नहीं पूरा जोड़ेंगे, सही अंतर लेना शुरू करिए, 64 68 में कितने का अंतर है 4 का, अंतर का मतलब जो गलती उसको घटाते हैं और सही वाले को जोड़ते हैं, तो 64 - 67 - 4, 62 - 65 - 3 और 84 - 73 - 11, 4 का आएगा। अब यहां ये चेक कर लीजिए, प्लस में आया इसका मतलब क्या है, सही है, सही वाला क्या है भाई, ये प्लस आने का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, औसत बढ़ेगा, मतलब हम बढ़ाएंगे औसत को, इसका मतलब यही ना हुआ भाई, तो बढ़ा लो, जोड़ेंगे मतलब वही जोड़ेंगे, बढ़ाएंगे, पॉजिटिव आया है तो गलत, यहां लिखा क्या किया सुधारने के बाद, सुधार लीजिए, सुधार दिए, कहेंगे शुद्ध औसत, नया औसत सुधारने के बाद, औसत शुद्ध औसत क्या होगा, शुद्ध औसत कहेंगे 72 और प्लस कितना 4, संख्याएं कितनी है 40, 4 × 40 72 + 0.1 कितना आंसर आएगा 72.1। ये 71.9 देना चाहिए था इसको, ताकि लोग घटाते भी तो, ठीक है। तो देखिए अब 3-3 देने लगा, अब अभी तक हम लोग एक गलती दे रहे थे, 2 दे रहे थे, अब 3-3 दे दिया, तो हम लोग चलाक हो जाएंगे, अब पूरा नहीं जोड़ेंगे, यही अंतर लेना शुरू, जब अंतर लेना है तो हम क्यों जोड़ के ले अंतर, शुरू में ले, ये हुआ है, ये माइनस में आए, 4 3 7 ये -7 + 11 है, ये कितना आएगा 4 आएगा। ये अभी रहने दो, हाँ ये लगाओ, 20 लगातार सम संख्याओं का औसत उनके योग का एक बड़ा 20 गुना है, प्रथम और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें, चौथी संख्या और 12 संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
एवरेज जब बेसिक से पढ़ा रहे होंगे तो ये सवाल जाके देखिएगा। इस लाइन को देखिए, इस लाइन का क्या मतलब है? आप हमको ये बताइए 20 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना होता है? 21 होता है कि नहीं होता है? होता है। उनके योग का, उनके योग का आप जानते हैं कि अगर सम संख्या का योग निकाला जाएगा 20 सम संख्याओं का तो क्या होता है, याद है किसी को? बताओ, प्रथम n सम संख्या का योग n प्लस 1, यही ना होता है? और भाई देखो भाई क्या हो, ये 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, यन सम संख्या अभी बता रहे हैं, बाई 2 भी हो, देखो यहां पे 2, 4, 6 लिखा है। अगर हमको सम बनाना हो तो क्या निकालते हैं इसमें? 2, और ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, तो प्राकृतिक तो बन गया 2 इंटू, ये क्या होगा? यन इंटू, अरे समझ में आ रहा है आपको? 2 इंटू 3 इंटू 4 भाई क्या 2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो यहां यन भी होगा, यहां क्या होगा? एन इंटू एन प्लस 1। हाँ सुनो ध्यान से, देखो यहां पे, तो जब लगाएंगे तो 1 हो गया, और यहां इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिखा है कि 20 लगातार सम संख्या का औसत, औसत कितना होता है? 21। इनका योग का, योग कितना होगा इनका? 20 गुणे 21 का कितना गुना है? 1/20। 20 से 20 क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया प्रूफ। इसका मतलब हमको ये प्रूफ करना था, बस दिया था। अब बोला है प्रथम और अंतिम संख्या के बीच अंतर, तो ये बताओ प्रथम संख्या क्या होती है? 2, और अंतिम संख्या क्या है? 20 के बाद 40 होगी ना अंतिम, 40। इनका अंतर कितने का बना? 38 का, अभी सब में 38 दिया है। चलो पहले का आंसर 38 आ गया, कहां 22 हो जाएगा? यन रखेंगे 20, तो 20 गुड़े 21 होगा, 22 कहां होगा? यन प्लस 2 कहां है? अब सुनिए चौथी संख्या क्या लिखा है यहां पे? चौथी संख्या, और कौन संख्या? 12वीं संख्या। अंतर कितने का? 8, 8 × 2 = 16। आंसर कितना आएगा? सुनो, कई लोगों को नहीं समझाया होगा, देखिए ये बात केवल दी थी क्या करने के लिए, वो क्लेरिफाई करने के लिए कि मतलब ये बात सही है कि नहीं। उसके बाद क्या करोगे? सुनो, जब भी गैप निकालना होता है ना, प्रथम संख्या मान लो प्रथम संख्या 1 और अंतिम संख्या क्या है? 20 है ना इसमें, यहां लिखो 20, क्या लिखो? 20। इनमें कितने का गैप है बोलो? 19 का, आ किसका गुणा कर दो? 2 का। आंसर क्या आ जाएगा? ऐसे भी कर सकते हैं, यहां देखो चौथी संख्या यहां लिखो और यहां कौन संख्या है? 12वीं। इनका क्या ले लो? अंतर, कितने का अंतर? अब गुणा क्या कर दो? आंसर क्या आएगा? अब कई लोगों को अभी भी नहीं समझ आया होगा कि हो क्या रहा है। आप बताओ यहां संख्या लिखी है 2, 4, 6, 8 और 10। हम कहें चलो बताओ 2 और 10 में कितने का अंतर है, कितने गैप है? 8 का, है ना? हम यही बात कहें, ये पहली सम संख्या है और ये क्या है? दूसरी, और ये क्या है? बहुत ध्यान देखना, तीसरी, और ये क्या है? और ये क्या है? 5वीं। तो एक काम करो ना, हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे पहली संख्या ये है और 5वीं ये है, इनमें कितने का अंतर बन रहा है? 4 का, 4 × 2। बात समझा रही है आपको? हम कहें चलो बताओ दूसरकी में और चौथकी में कितने का अंतर है? चौथकी है ना यहां पे 5वीं, ये 5वीं है। हम कहें चलो बताओ दूसरकी और 5वीं में कितने का अंतर है? 6 का दिख रहा है, 6 का, लेकिन ऐसे थोड़ी बनाएंगे, कहेंगे दूसरकी यहां लिखिए और 5वीं यहां, कितने का अंतर गैप का? 3, और 3 × 2 डायरेक्ट, क्योंकि 20 लगातार सम संख्या लिखोगे क्या बैठकर? कभी नहीं लिखेंगे। अब डायरेक्ट कहेंगे प्रथम संख्या 1 हो गई, अंतिम संख्या 20 हो गई, उनमें गैप कितने का है? 19 × 38। या तो 40 − 2 घटाओ, या तो सीधे जो बताया वो करो। चौथी संख्या, तो चौथी संख्या दिमाग लगाओ, 4 × 8 उतर जाएंगे, या तो सीधे लिखो यहां 4 और यहां लिखो 12, 12 और 4 में कितने का अंतर? 8 का, 8 × 2। कल को कोई पूछे आपसे क्या कि बताओ 7वीं संख्या और 14वीं संख्या 15वीं संख्या के बीच अंतर बताओ,
तो कहेंगे 8 × 16, सीधे संख्या का अंतर लेके 2 का गुणा कर दीजिए। और अगर उस तरह नहीं समझाया तो क्या करिए, पूरा लिखिए घटाइए। तो ध्यान देना, ये लगाइए, बस यही सवाल बचा हुआ है, इधर का खत्म है, इसको लगाइए। ये आता है पेपर में सवाल, तेरह संख्याओं का औसत 47 है, पहली तीन संख्याओं का औसत 39 है, अगली सात संख्याओं का औसत 49 है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है, 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है। ये आता है पेपर में सवाल, 13 संख्या का योग निकाल लीजिए आप, 13 संख्या का योग। तेरह गुणे 47, 13 × 7 = 91 हासिल 9, 13 × 4 = 52, 52 × 9 = 621। प्रथम तीन का योग 3 × 39 = 39, 117। फिर अगले सात, हाँ ये 13 × 7 = 91, 13 × 4 = 52, 52 × 9 61, हाँ सॉरी ठीक है। अगली सात का योग क्या लिखेंगे, 7 × 49, 7 × 9 = 63 हासिल 6, 7 × 28 = 34, 343। अब इसके बाद देखिए ध्यान से क्या हुआ है, 13 संख्याएं थी, 3 ले लिए, 7 ले लिए, 10 हो गई, तो संख्याएं कौन कौन सी बच गई, 11वीं 12वीं और वही इसके बारे में डिस्कस किया यहाँ पे। अब देखो यहाँ 11th नंबर है और यहाँ कौन है, 12th नंबर है और यहाँ 13th है। अब ध्यान समझिए, देखिए 13 संख्या थी, शुरू की 3 ले लिए, फिर 7 ले लिए, कितनी ले लिए, 7 × 3 कैठो बची 3, इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11वीं 12वीं और 13वीं का योग मिलेगा, यही मिलेगा। अब आइए लिखा गया है यहां, देखिए 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है, इसको पी मान लो तो ये क्या हो गई, 2p, तथा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है तो ये 3 ज्यादा हो जाएगी। भाई हम कह रहे हैं हमारे पास 1 लाख रुपया ज्यादा है आपसे, तो आपके पास 1 लाख रुपए कम होगा, दोनों बात एक ही है। देखो 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है तो 13वीं को क्या कर दो, 3 बढ़ा दो, बात तो एक ही है ना भैया, हो गया। अब इनका योगफल कितना होगा, 2pp 3p और 4p प्लस 3, ये किसके बराबर करेंगे, इनके अंतर के, 611 − 343। और भी है ना, कहाँ गया वो, अच्छा 117 अभी, सॉरी हमको लगा दोनों हो गया, 117 ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 611 − 7 = 48, हाँ चलो ठीक 7 × 3 = 10, 7 × 3 = 10, और ये कितना होगा, 151 किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहां से क्या कर लेंगे, 3 घटा देंगे, 4 से भाग कर देंगे, 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 148, 4 से भाग कर दीजिए, 4 × 3 = 12, कितना बचेगा, 2, 4 × 7 पी का माना गया 37, लेकिन पूछा क्या है, वो पूछा 11वीं और 13वीं संख्या का औसत, 11वीं और 13वीं का औसत, ये बताइए 11वीं संख्या कितनी आ जाएगी, कहेंगे 11वीं आ जाएगी कितनी, 37 × 74, और 13वीं कितनी आ जाएगी, 13वीं 3 जोड़ दीजिए, 74 है, अब इनको जोड़ लीजिए, इनका एवरेज निकाल लीजिए जोड़कर,
चार सात चार ग्यारह का आधा हो जाए, कितना जाएगा? 57। यही सवाल का आंसर है। ये आया था पिछली बार जीडी में भी, पिछली बार जीडी में आ चुका है सवाल। अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन ध्यान से करना है आपको। स्टेप समझना है कैसे करना है, स्टेप स्टेप वाइज समझना है आपको। आप यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन बचा सकते हैं, अगर चाहें तो यहां कैलकुलेशन बच सकता है आपका। देखिए कैसे बच सकता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे बचा सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं होगा। ये बताओ 13 संख्याओं का औसत, यहाँ 13 है, इनका औसत कितना दिया है? 47। प्रथम तीन का औसत कितना दिया है? कितना दिया है? 39। ये इससे कितना कम है? 8। अगर 1 से 8 कम है, 3 से कितना कम होगा? ठीक, सही है, इसको बाद में लिखो। फिर दिया है अगली 7 का औसत कितना दिया है? कितना ज्यादा है? 1 में 2 तो 7 में -10 है। 47 -10 कितना आया? कितना रखना पड़ेगा हमको ताकि एवरेज को मेंटेन हो, बताओ। अगर ये एवरेज हमने 47 माना और ये, अच्छा ये बताइए जो -10 आया है क्या है? ये अंतर है, ये क्या है? अंतर। तो अगर हम संख्या को अगर मान लें 37, क्या मान लें? 37, तो 37 से 10 कम है ओवरऑल एवरेज। ठीक, अब ये जो 37 आया है इसमें क्या करें अब हम? माइनस क्यों होगा, वो क्यों माइनस होगा, ऑलरेडी ये -10 है। ये तीनों का एवरेज, अगर तीनों का एवरेज करें 37 यहाँ कितना हो जाएगा? 111। यहाँ कितना? नहीं नहीं ये गलती यहाँ पे, यहाँ ना अगर यहाँ पे अगर हम कर दें 57, कितना कर दें? 57, 3 7 21 और 3 5 15 सेट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे 57 कर दें तो 57 ज़्यादा 10 है, ये -10 सही है ना? ये -10 सही है, -10। अगर -10 आया है तो कितने संख्याओं पर है वो? 3 ही पे है, 3 पे है, तो 3 7 21, लेकिन वहाँ सेटिंग हो नहीं रही है। कितना? 3 है तो 3 ही संख्या ना, उसे होते एवरेज का मतलब विभाजित क्या होता है, उसे क्या मतलब? एवरेज का मतलब क्या सभी संख्याएं बराबर होती है ना, वो तो एवरेज में होती है लेकिन रियल में देखा जाए तो अलग ही ना होती है भाई। हाँ लेकिन ऐसा होना चाहिए, अगर ये 47 है ये ना हुआ, ये कितना आया था? ये -10, ये -10 आया है अगर, तो अगर -10 है तो इसको कितना मान लें? 57। अगर 3 संख्याएं हैं, 3 है तो अगर इसको 57 ले लें तो 3 का गुणा करें, 3 7 21, 3 5 15, 2 17 11। किसको? हाँ सही है ये, सुनो भाई सही बात है, सही बात है। देखो ये जो 10 आया है सब में बटेगा ना ये, तो क्या होगा ये -3.33 पूरा कटेगा नहीं, लेकिन ये या इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दीजिए, -10/3 और इसको किस में जोड़ लीजिए आप? 47 में, 47 में अगर जोड़ेंगे तो 47 -10/3 तो वही कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ ही गया, जाने दो, जाने दीजिए। हाँ कैलकुलेशन आसान नहीं हो रहा है, होता तब आसान जब कट जाता, जाने दीजिए, कट नहीं रहा है, 10 नहीं कटेगा 3 से। अगर वहीं पे 9 वगैरह आ जाता कट जाता, छोड़ो जाने दो। ये लगाओ सेम सवाल है, लगाओ इस सवाल को, नहीं लिए क्या स्क्रीन शॉट?
आधा सवाल लगा था बस, आधा मिटा दिया क्या सवाल को? अच्छा हाँ, कोई बात नहीं है, यहाँ लाइव भी है, देख सकते हैं बाद में। हाँ इसको बताइए, फिर वही सवाल आ गया है। दसवीं संख्या नवीं संख्या से तीन अधिक है, लेकिन ग्यारहवीं संख्या बारहवीं संख्या दो और तीन कम है। यहाँ पर लैंग्वेज बढ़िया बनाया, ध्यान से लगाइएगा। नौ दस ग्यारह ये संख्या है, नाइन्थ संख्या है, दस संख्या है और ग्यारह संख्या। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या बना रहा है, नवीं दसवीं संख्या नवीं संख्या से तीन अधिक है, लेकिन ग्यारहवीं संख्या, लेकिन ग्यारहवीं और बारहवीं संख्या से दो और तीन कम है। लेकिन किसके लिए आता है? पहले वाले के लिए, दसवीं संख्या नवीं संख्या तीन अधिक है, लेकिन ग्यारहवीं और बारहवीं से दो और तीन कम है। औसत निकालना है। आ गया 10, 11, 12 59.5 नौवीं दसवीं। अच्छा इस बार कितनी संख्या, चार संख्या ले लिया क्या? चार संख्या ले लिया। दसवीं संख्या नौवीं संख्या से तीन अधिक है, लेकिन लेकिन मतलब दसवीं के लिए कह रहा है, लेकिन ग्यारहवीं और बारहवीं संख्या से दो और तीन कम है। कौन भाई? दसवीं। तो देखो ध्यान से, इसको क्या मान लें, बढ़ा लेते हैं इसको, कितना बढ़ा लेते हैं इसको, पी प्लस टू कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, पी प्लस थ्री हो जाएगा। अगर ये कम है तो ज़्यादा होगी ये वाला सेटिंग। ये देखो ये समय ये बनाना है, इस बार चार दे दिया भाई। हाँ इस बार ये चार दे दिया, तो ये बनाने आना चाहिए आपको, कैसे बनाया देख लीजिए आप लोग। अब उसके बाद कहानी वही है कि 12 का योग निकालेंगे आप, 12 गुणे 55.5 तो 12 × 5 = 60 हासिल 6, 12 × 5 = 60 12 × 5 = 60 600 66 है, 60.5 कुछ आ रहा है तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो गलत है। तो ये आ रहा है ये वाला। उसके बाद क्या बोला है, अगली चार संख्याओं का, पहली चार का, पहली चार का कितना दिया बताइए, 53.4 4 × 16 4 × 3 = 12 13 4 × 5 = 20 1 213 अगली चार का, अगली चार का दिया कितना, 54.6 4 × 6 = 24 4 × 16 2 = 18 4 × 5 = 20 इतना। अब क्या करिए, वही वाला जोड़ के कर दीजिए, 1, 2, 3, 4 4p और प्लस 3, 2, 5, 3, 8 बराबर, इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दीजिए, 666 और माइनस ये 6, 4, 10 हो गया। कहाँ पे, कहाँ पे? हाँ ग्यारहवीं बारहवीं क्या है, ओहो तो ये जो है ना तीन में भी जुड़ेगा ना भाई, 2, 3, 5 होगा ये, सही है, और ये तीन जुड़ेगा तक 6 हो जाएगा। हाँ ठीक 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 एकदम सही, कितना हो जाएगा ये, 4p और प्लस कितना, 14 666 6, 4, 10 8, 3, 11, 1 12 और 42, 43 तो 4p + 14 बराबर 4, 3,
दो, 14 घटा के 4 से भाग कर दीजिए, 14 घटाएंगे तो 220 हो जाएगा, 220 और बटा के 4, 4 पच्चे 20 और 4 पच्चे 20 कितना आएगा, 55 आएगा। लेकिन अभी भी देखो सवाल कितना बढ़िया दे दिया है, अभी भी नहीं माना ये। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ना कि 10वीं 12वीं का औसत बताओ, 10वीं कितनी हो जाएगी, 10th, 3 जोड़ देंगे 58 हो जाएगी, और कौन सी 12th क्या हो जाएगी, 12th ये 61। अब इनको जोड़ के क्या करो, आधा करो, 8 × 9 9 कर लो और 11 का आधा कर लो, 2 × 5 = 10 59.5। एक बात और, अगर इस तरह का सवाल पेपर में आ गया तो आप स्किप करके पहले पूरा सवाल लगा लेंगे, ध्यान दीजिए। अगर सवाल दिख गया है तो पहला काम क्या करेंगे, आप छोड़ेंगे पहले पूरा टच करेंगे, सुन लीजिए ये बात को, आ रहा है आपको सवाल तो आ रहा है ना, बिल्कुल कमी नहीं है, सबको आ रहा है सवाल, करना क्या एग्जाम में, अगर दिख गया है सवाल छोड़ो पहले क्या करो पूरा सवाल निपटाओ, 80 सवाल तक पहुंचिए पहले, क्यों ये लगाते रहेंगे समय कब निकल जाएगा पता, मजा तो बहुत आएगा कि हमको ये आता है, हमको ये आता है मजा आएगा, लेकिन कब 5-6 मिनट ले लेगा पता नहीं चलेगा आपका, इसलिए जब सवाल दिखे रुक के उसको छोड़ दीजिए आगे बढ़िए, क्या पता इस सवाल को लगाने के चक्कर में आगे 4 सवाल लगा दो आप, ऐसा होगा पेपर में, इसका जरूर ख्याल रखें आप, पेपर को लगाते में ये बहुत रणनीति इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे जूझ जाते हैं सवाल पर, क्योंकि उनको पता है ये लगाएं हमको आएगा ही आएगा, भैया हम कहां मना कर रहे हैं, लेकिन समय ले लेगा और बाद में आपके पास समय बचेगा नहीं, 4-5 सवाल छूट जाएगा, इसलिए अगर सवाल दिखे तो आप उसको स्किप करके आगे जाइए, पूरा निपटा लो आराम से लगाओ आकर, क्योंकि आपने पूरा पेपर देख लिया है, ये इंपॉर्टेंट है बात, इसका जरूर ध्यान दें, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, पेपर में दिखा आता तो है लेकिन बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में आता तो है करेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल अभी करना है आपको, हाँ अभी यहाँ पे यहीं पे करना है, करिए लगाइए प्रैक्टिस करिए। ये लाइन सेट कर लीजिए 18वीं 19वीं और 20वीं, क्या बोला है, 18वीं संख्या 19वीं संख्या से देना दिखा तथा 20वीं संख्या से 9 कम है, यहां देखो तथा किसके लगाते हैं पता ना आपको, 18वीं संख्या की बात किया है, 18वीं संख्या 19वीं संख्या से 3 अधिक है तथा, मतलब 18वीं संख्या ही 20वीं संख्या से, ठीक है लगा लो 18वीं संख्या 19वीं संख्या से, इसको पी मान लीजिए, उसके बाद क्या बोला है, तथा मतलब 18वीं संख्या 20वीं संख्या से 9 कम है तो 9 ज्यादा होगी, एटींथ नंबर क्या होगी, 20वीं संख्या से 9 कम, तो ये 9 कम तो ये 9 ज्यादा, किससे, 18 से आ गया 65, एकदम ठीक, कहेंगे 65 × 30 1300 हो जाएगा, 20 × कितना 65, ये कितना आ जाएगा 1300, फिर उसके बाद 9 × 68 9 × 8 = 72 9 × 6 = 54 7 × 3 ठीक है, 7 × 9 क्या कर रहा है, फिर उसके बाद 8 × 62 8 × 62 8 × 2 = 16 8 × 48 49। अब इसको जोड़ लो, ये कितना आएगा, ये बात सही है, सबको समझा रही है, कितना होगा ये 3p प्लस कितना 9 × 3 = 12 × 3 = 15 किसके बराबर, 1300 माइनस
जोड़ो इसको, 6 4 10 6 2 8, 6 2 8, 9 1 10 1100 8, कितना 292, 192, इधर 92 1200 192, 15 घटा दीजिए तो 3P में 15 घटाइए, 2 इधर से 13 उधर से 177, और 3 से काटेंगे, 3 5 15 3 9 23। फिर और भी पूछा है क्या कुछ? 1920 की संख्या का औसत 1920, 90th नंबर कितनी आएगी? 90th नंबर कहेंगे तो 19 ही आएगी, 59 ही आएगी। और क्या बताओ? 20th नंबर कितनी ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, 71। 9 1 10 का आधा, 9 1 10 का आधा कहेंगे 5, 5 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? क्या हुआ? ये वाला डाउट है क्या? ये क्या बोला है? हाँ बिल्कुल लगेगा, लगेगा उस तरह से, एकदम लगेगा, 100% लगेगा। इस बार कट भी जाएगा, कट जाएगा तो आसान हो जाएगा सवाल। देखिए भाई क्या बोला है, यदि 18वीं संख्या 19वीं संख्या 3 अधिक है, 18वीं संख्या 19वीं संख्या 3 ज़्यादा है, तथा का मतलब होता है क्या? पहले के लिए बात करता है, तथा का मतलब, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। तथा का मतलब किसकी बात कर रहा है वो? 18 यहाँ लिख लो, यहाँ तथा काट दो, क्या लिखो यहाँ पे? 18वीं लिखो, 18वीं। 20वीं संख्या से 9 क्या है? कम है। अगर 18वीं 20वीं से 9 कम है तो 9 ज़्यादा होगी इससे, इसमें 9 बढ़ा दीजिए। अरे तो 3 दिया ही पहले से, उसका 3 है, उसका पहले से 3 है। देखो 20 संख्याओं का औसत कितना दिया है, उसमें कट नहीं रहा था, इसमें कट जाए तो अच्छा हो जाएगा। 9 संख्या का औसत कितना दिया है बताना? 68। और अगली 8 का कितना दिया है? कितना? 62। अब सुनना, ये बताओ यही से कितना कम है, कितना ज्यादा? 3 3 9 27। इससे तुलना करना है आपको, इससे दोनों का तुलना करना है। ये कितना कम है? 3 8 लिखे 24, कितना आया ये? 3। इस बार प्लस में आया है तो क्या होगा बताना? कहेंगे जो 3 आया है किसमें बटेगा ये? पिछली बार जो आया था हम लोग का कितनी संख्या थी? 3 भाई, इस बार भी कितनी है? 3। पिछली बार आया था -10 ना ओवरऑल, भाई याद है जब पिछली बार हम लोग किए थे तो ओवरऑल कितना आया था? -10। इस बार ओवरऑल देखो ये कितना ज्यादा है? 3। तो 3 9 27। और ये कितना कम है? ये कितना कम है? अच्छा ये कुछ ज़्यादा हो गया क्या? ये कितना कम है इससे? 6 ना, तो 6 8 अरे हाँ सही है, सही तो किए, हाँ इसी से लेना है भाई। कितना है? 3 ज़्यादा है तो 3 9 8, हाँ सही तो है, 24। ये कितना आएगा? 3। तो 3 है, 3 है ना। अब क्या करेंगे इसको? 65 में क्या करो? 3 जोड़ दो, कितना आएगा? माइनस करेंगे 65 से, 3 क्या होगा? अगर 62 ले लेंगे तो अंतर बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर 62 कर लें और 3 से भाग करो तो कहाँ सेट हो रहा है भाई? अगर 62 नहीं हो पा रहा सेट, अगर 62 से ले लेंगे, 68 भी ले लो तो भी नहीं होगा, 3 जहाँ बढ़ा के ले लीजिए, 68 ले लीजिए। अच्छा ये बताइए योगफल कितना आ रहा था बराबर करने पर? 192। तो 3 अगर हाँ बिल्कुल हाँ, ये इससे कितना ज्यादा है? इससे ये 3 ज्यादा है और इससे कितना? 3 कम है, इसका मतलब यही तो है, 65 ही है, 65 ही आ रहा है। हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही है, उसमें भी अंतर बराबर हो रहा है, जितना वो ज़्यादा है उतना वो कम है। सही है, एकदम सही है, देखो भाई सही है, यहाँ देखो तो देखो एकदम सही है, देखो ये वाला बात पकड़ रहे हैं हम लोग, देखो भाई देखो समझो भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं सवाल में।
देखिए ध्यान दीजिए, दिया है 20 संख्याओं का औसत, यही तो खोज रहे थे कभी से हम। इसका औसत कितना दिया है? 65, एकदम सही है। अब उसके बाद दिया है क्या? 9 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है बताओ? 68। फिर क्या दिया है? अगली 8 का कितना दिया है? अगली 8 का 62। अब ये देखना है आपको, आपको ये देखना है क्या? ये देखो, ये इसे कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, और इसे कितना ज्यादा है? कम है, 3। तो भाई कोई अंतर ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। हाँ नहीं नहीं ये बताओ ये, हाँ सही है सही है सही है सही है, ये संख्याएं अलग अलग है ना। हाँ और उसके बराबर करेंगे। आप लोग अभी तुक्का सही बैठ रहा है लेकिन सही नहीं हो, सही नहीं है, लेकिन सही नहीं है। पूछिए क्यों सही नहीं है, क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ संख्या 9, यहाँ संख्या 8 है, तो यहाँ अंतर अलग आएगा, अंतर अलग आएगा, आंसर भले से आ जाए। हाँ पीछे वाले में लग गया है, उस वाले में भी लग गया है, हाँ तीनों में। उसमें कहाँ अंतर बराबर था पहले वाले में? इसके इसमें कहाँ अंतर बराबर था? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कहाँ अंतर बराबर है? देखो कहेंगे क्या, ये 47 है और ये कितना बताओ? 39 है और ये कितना है? 49 है, यही ना। ये इसे कितना कम है? और ये कितना ज्यादा है? अब बोलो, ये वो वाला लगेगा जो पहले वाला था। हाँ पहले वाला जो सेटिंग थे वो सही थी, ये वाली सेटिंग सही नहीं। जैसे जैसे कर रहे हो, संख्याएं अलग अलग हैं। संख्याएं क्या हैं? अलग अलग है भाई, अलग अलग संख्याएं। देखो कैसे करेंगे, 13 संख्या दिया वो वाला गलत है दीपक, भले से आंसर आ जा रहा है, तरीका गलत है वो, 47 है। और यहाँ क्या दिया है बताओ? फर्स्ट थ्री का कितना दिया है? फर्स्ट थ्री का कितना दिया बताइए? 39। और अगली 7 का कितना दिया है? कितना दिया बताओ? 49। तो यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ चेक करना है कितना कम है, 8 लिखे 24, और ये कितना ज्यादा है? 9 7 यहाँ था ना, देखो कितना ज्यादा है? 2। ये कितना ज्यादा है इससे? 2, 7 × 2 = 14। ये आया था -10, लेकिन ये कितने लोगों में बटेगा? 3 लोगों में बटेगा, यही वाली बात है। अब है कितना औसत? 47, यही वाली बात ना, और -10/3। हालांकि थोड़ा यही कैलकुलेशन यहाँ बढ़ेगा, यहाँ तो बढ़ेगा यही कैलकुलेशन। और ये किसके बराबर कर दो? जो बनाए थे समीकरण, जो समीकरण बनाए थे। और वाली बात गलत है भाई, जो बात लगा रहे हो आप लोग, भले से आंसर आ जा रहा है, बताया नहीं आपको गलत है वो? अरे वो लग जा रहा है, बात अलग है भाई, तरीका गलत है ना, तरीका गलत है। हाँ इसका मतलब अंतर लिया जाता है, इसका मतलब अंतर लिया जाएगा हमेशा, ठीक है। देखो भाई ये जो लगा रहे हो ना आप लॉजिक, ये लग जा रहा है कुछ में लेकिन समय नहीं लगेगा, ये वाला गलत बात है, ठीक है भाई। इसमें देखो ये दिया है कितना? 55.5 ये दिया है, और यहाँ कितना दिया? 53.4, और यहाँ क्या दिया है बताओ? 54.6। हाँ हाँ पहला वाला मानेंगे, मान लीजिए कितना इससे कम है? 2.1, ये कम है माइनस में, और ये भी कम है, ये कितना कम है? -1.9। हाँ तो अभी तो आप कर रहे थे ना कि दोनों बराबर आ रहा है। हाँ वो मत करो भाई, वो मत करिए, उसके योग पर। तब ये बताओ फिर ये क्यों दिया है सब, ये सब क्यों दिया है सब? ये सब बारात में आए क्या? गलत है, ऐसे मत लगाइए गलत हो जाएगा, ऐसे मत लगाइए गलत हो जाएगा। अरे चलो रहने दो आप लोग, कुछ भी लगाते रहो। ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाइए, ये लास्ट सवाल है शायद। 15 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42 है,
अंतिम छः का 43 है, सातवीं संख्या आठवीं संख्या दोगुनी है लेकिन नौवीं संख्या से 5 अधिक है, ये लगाओ। गलत घटा रहे हो आप लोग, कुछ भी गलत घटा के आंसर ला रहे हो, बस वो आंसर लाने के लिए कुछ भी कर दे रहे हो आप लोग। देखो गलत घटाए थे ना, बार बार वही कह रहे हैं, गलत क्या कर रहे हो आप। आंसर लाने के लिए कुछ भी कर दे रहे हो आप लोग। क्या दिया इस बार? सेवेंथ नंबर, एट्थ नंबर और नाइन्थ नंबर। तुलना किसे करवाना है? कहेंगे सर सातवीं संख्या आठवीं संख्या दो नहीं है, लेकिन लेकिन मतलब किसको बोलता है पता है ना आपको? सातवीं पहलकी के लिए। आ गया, सातवीं सातवीं संख्या आठवीं संख्या की दोगुनी है और सातवीं नौवीं से, तो क्या करो? मान लो पहले वाले को सातवीं संख्या आठवीं से, इसको मान लो P। हाँ लेकिन मतलब और एक ही है, तथा लेकिन सब एक ही है। सातवीं संख्या आठवीं संख्या से कितना है? दोगुनी है, क्या हो गया? 2P। अब लिखा है सातवीं संख्या जो है नौवीं संख्या से क्या है? 5 अधिक है, तो इसको क्या कर लो? 5 कम कर लो, खत्म कहानी। ये हो गया, देखो ये तो करना ही पड़ेगा आपको, वाली ये वाली बात करनी ही पड़ेगी हर हालत में। जैसे लगाइए आप, ये बिना किए नहीं लगा सकते हैं, ये बिना किए कैसे लगाओगे? अब उसके बाद लगा लीजिए 15 × 45, 15 × 5 = 75, हासिल कितना? 7, 15 × 60, ठीक। फिर 6 × 42, 6 × 12, 6 × 48 = 49। फिर क्या दिया? 6 × 43, 6 × 18, 6 × 24 = 25। ये बिना किए नहीं करेंगे आप। हाँ हाँ हाँ, कौन सा? 6 × 12, 6 × 48, 6 × 24 भाई, और ये कितना होगा? 6 × 43, 6 × 18, 258। करो अब घटाओ, ये 2P 3P 5 कितना हो जाएगा? ये 7P, 3 × 2 = 5, 5P − 5 बराबर, बताओ 675 में से घटा दीजिए, कितना आएगा ये? 8 × 2 = 10, 51, 5 × 1 = 6, 16। अब 5 जोड़ दीजिए और उसके बाद पी का मान निकाल लीजिए, 170 में 5 भाग करिए, 5 × 3 और 5 × 4 को, हाँ 34 हो गया। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद क्या पूछा है भाई? सातवीं संख्या नौवीं संख्या का औसत, सातवीं संख्या क्या आ जाएगी? कहेंगे सर सातवीं संख्या आ जाएगी 34 × 68, और नाइन्थ कितनी आ जाएगी? नाइन्थ आ जाएगी 68 − 5 = 63, 8 × 3 = 11 का आधा दिया नहीं ऑप्शन में, चलो लगा लो, लगा लीजिए, 6 × 6 = 12 = 13 और ये 11 अटक दो 65। अब लगाओ भाई वो वाला, नहीं वो वाला वो तो लगेगा ही, वो वाला जो लगा रहे हैं वो सीधे लगा दे रहे हैं एकदम, करें 3 इधर से 4 उधर से बैठ गया, वो वाला नहीं है वो, गलत घटा दे रहे हो आप। घटा देंगे गलत तो आंसर तो मैच कर ही जाएगा। देखो हम लोग को जब आंसर पता होता है ना तो हम लोग तरीका बहुत ढूंढ लेते हैं, पता है आपको? बहुत ज़्यादा आंसर हमको पता है कि आना है तो घुमा फिरा के लगा देंगे उसको, ठीक है? ये वाला होगा भाई आपका, आंसर आएगा 65, कितना आएगा? 65। वही तो बात है, एग्जाम में नहीं पता चलता है ना, इसलिए तो आंसर भी आ जाता है ना एग्जाम में। देखो यही गलती यही होता है ना एग्जाम में, क्या होता है? अब जो आ गया सो आ गया एग्जाम में। हम लोग यहाँ क्या होता है, एक बार गलती हुआ कोई बगल बता दिया, लगा लिए सही हो गया, एग्जाम में गलती हुआ तो हो गया, अब आगे बढ़िए। अब
और आप फिर घर आके जब आंसर की मिलाते हैं तो कहते सत्यानाश हो गया पूरा। यही होता है पेपर में, पेपर में यही होता है। बस अंतर यही है पेपर का और यहाँ का कि यहाँ लगाने के बाद गलती सुधर जाती है, एग्जाम में सुधरती एकदम नहीं सुधरती है। सही है भाई? वो वाला दीपक कभी मत लगाइएगा, ये तो लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे जैसे सोच रहे हैं 15 का एवरेज कितना दिया बताइए, 45, और फिर क्या दिया है 6 का कितना दिया, 6 का 42, और फिर 6 का 43। अब देखो कहाँ बराबर हो रहा है आपका, सब गड़बड़ा गया ना। ये इससे कितना कम है, -3, और ये इससे कितना कम है, -2। अब लगाओ ये 3 × 6 = 18, और ये 6 × 2 = 12, ये कितना हुआ -30। लेकिन कितने बटेगा, 3 में 3 बांट दीजिए, -10। अब क्या करोगे, अंतर लेते हैं, लीजिए 45 माइनस 10। देखो यही गलती बार बार हो रही है, हम लोग जो माइनस में आ रहा है एक बार प्लस में आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहां पे कम है, एक बार प्लस में आया था 1, तो 65 था, तो 1 कम करना था 64, आया था कि नहीं आया था, एक बार आया था -10/3, तो हम लोग माइनस किए तो प्लस करना है उसको। इसका मतलब हमेशा क्या लेना है आपको, अंतर ही लेना है। अंतर लेने का मतलब अगर -10 आया तो क्या करेंगे इसमें से, आप -10 आया तो क्या करोगे इसमें, इसको 55 करोगे कि 35 करोगे, 55 करोगे। मतलब हमेशा अंतर लेना है आपको, ये ध्यान देना है बस। तो कर लो, कितना हो जाएगा ये 55, और चूंकि 55 क्या आएगा, वो एवरेज एवरेज आएगा, तो 55 × 3 कितना हो जाएगा 165, इसके बराबर करेंगे तो करना ही पड़ेगा। सही है ना भाई, ये 45 है, इसको जोड़ लो इसके साथ, तो आएगा कितना 55, लेकिन वो एवरेज आएगा, ये 2 × 2 = 6, 2 × 2 = 5, देख रहा हूँ 2 × 2 = 6 हो रहा है बराबर, और ये 55 × 3 कितना, यही आ रहा था ना 165, तो ये वाला मामला। तो जब भी यहां पे जो भी आए, यहां पे जो भी आए उसका क्या लीजिए आप, अंतर लीजिए इसके साथ, क्या लीजिए आप अंतर लीजिए। मतलब अंतर का मतलब क्या होता है, प्लस आएगा तो घट जाएगा और माइनस आएगा तो जुड़ जाएगा, अंतर लेते हैं, इसका ही मतलब हुआ। सही है, तो ये वाली कहानी है, आंसर आपका आ जाएगा 65। कई लोगों को यहां दिक्कत हो रही होगी सेट करने में, यही ना है, वही फंसा देगा वो, लेकिन आराम से इस बार ना सवाल थोड़ा वो कर दिया है, तो आप बीच वाले को मान लो पी, बीच वाले को पी मान लेंगे, हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको, किसको पी मान लेंगे, बीच वाले को, बीच वाले को पी मान लीजिए, आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ, ये क्या करते हैं अंतर, नहीं क्लियर हुआ। जैसे आपको लगा लें आप, अंतर लेंगे आप हमेशा। हाँ, कैलकुलेशन चाहिए, कितना बढ़िया कैलकुलेशन है। ठीक, एक सी एक और है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस सीट के अलावा है, आप देख लीजिए एक बार, ये हो गया ना, इसको बढ़ा दें आगे, इस सीट के अलावा लेकिन आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो देख लीजिए आप एक बार, बस देख लीजिए क्या है वो, देखो आया है कि नहीं इसमें। हाँ, एक बार इसको आप देख लें, कितना सवाल है इसमें, देखो फिर से आ गया। हाँ, ये सवाल तो भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल है, ये सवाल ना बहुत लाजवाब सवाल है, अभी इस बार के जीडी में सवाल आया भी हुआ है, सवाल बड़ा बढ़िया है, सवाल को एक बार देखें पढ़ें क्या लिखा है। 21 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 48, अंतिम 11 संख्या 42 है, यदि 11वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत, सब लोग जाकर चेक करना अपने अपने आंसर की में सवाल पक्का आया होगा, चेक करना, अगर किसी में नहीं आया होगा तो किसी और शिफ्ट में आया होगा, आया था लेकिन लगभग हमने देखा था सब में आया था। लगाइए सवाल को, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इस सवाल को बताइए क्या होगा इसका आंसर, थोड़ा सा अलग है सवाल ये, थोड़ा सा सवाल क्या है अलग है।
21 संख्याओं का औसत 44 है, 11 संख्याओं का औसत 48 है, अंतिम 11 का 42 है। यदि 11वीं संख्या घटा दिया जाए हाँ, सुनिए अब ध्यान से, 42.9। देखिए 21 गुणे 44, 21 चौक 84 होता है, हासिल कितना 8, 21 चौक 84 8 88, ये हो गया 884। अब इसके बाद क्या है, पहली 11 संख्याओं का औसत 48 है, 84, अच्छा 8 था ना, ये क्या हो रहा है, कौन है नजर लगा दिया है, 21 चौक 84 8 जुड़ेगा ना, 8 जुड़ेगा मतलब कितना, अच्छा 2, ठीक है ये हो गया 8, 8 4 12 और 4 1 5। इसके बाद क्या है, 11 संख्याओं का औसत अंतिम 11, इसका कितना होगा 42, ये 2 हुआ, 4 2 6 और ये कितना 4। अब एक काम करो, पहले आप 11th नंबर निकालो, पहले किसको निकालो, 11th नंबर निकालो, निकालो इसको, इसी को हटाना है ना हमको, निकालो इसको, कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे 11 11 12, ठीक जोड़िए, जोड़े इसको, 8 2 10 और 6 2 8 1 9 और 5 4 9 और माइनस कितना 924, 6 इधर और 60 उधर, 6 इधर 60 उधर, 66। ये संख्या जानते हैं क्या होता है, मैक्सिमम पेपर में केवल यही पूछा जाता है कि बताओ 11वीं संख्या क्या होगी, लेकिन इस सवाल ने थोड़ा बढ़िया कर दिया, क्या कर दिया, आप इसको हटाओ और शेष संख्याओं का औसत बताओ। तो अब क्या करेंगे इसके बाद, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करेंगे पता है आपको, इसके बाद करेंगे ये कि जो आपकी 21वीं संख्याओं का योगफल आया 924, उसमें से घटा के भाग दे देंगे, ध्यान देना, सुना ध्यान से, ये कितने संख्याओं का योगफल है 924, कितने संख्याओं का योगफल है 21, तो कहेंगे एक संख्या हटा दीजिए वाली, तो हटाएंगे तो 924 और माइनस कितना 66, अब संख्या हो कितनी गई, अब 20, बस खत्म, लगा लो 14 में से जाएगा 8, ठीक है, और ये कितना 11 में से जाएगा 5 और ये कितना 8, अब बटा कितना 20, तो कितना होगा 2 चौको 8 और 2 दूना 4 और 2 नवा 18, कितना आएगा 42.9, 42.9, हाँ सही है 42.9, इस सवाल का आंसर होगा सही है 42.9। तो ये सवाल थोड़ा बढ़िया हो जाता है, क्यों बढ़िया हो जाता है, क्योंकि बार बार आपसे पेपर में केवल यहीं पूछ के छोड़ देता है कि 11वीं संख्या बताओ, लेकिन अब वो क्या किया है, कहा 11वीं संख्या को निकालो और शेष का बताओ, इसलिए सवाल बढ़िया हो गया भाई, याद रखिएगा। हाँ तो लगा ही सकते हैं अभी भी, अभी का अंतर ले लो ना, वो तो लगा ही सकते हैं, ये इसे कितना ज्यादा है 4, ये इसे कितना कम है 2, वो तो लगा ही सकते हैं अभी भी, हाँ हाँ तो सही है ना, वो तो अभी भी लगा सकते हैं भाई, हम वो तो हमेशा लगाएंगे, मिटा इसको, अच्छा रुक जाओ, हाँ ये कितना आया था, ये 924 सही है, इसको पूरा लिख लो 42.9। देखो भाई वो तो अभी भी लगा सकते हैं, वो तो हमेशा लगाते हैं, जो डिफरेंस वाला मामला वो हमेशा लगाइए आप, कैसे देखिए, आपको अगर डायरेक्ट कोई बोले 11th नंबर निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे, कहेंगे सर देखिए ये बताओ ये कई संख्या का औसत कितना दिया है, 21 का दिया है 44, डिफरेंस लेना है, और फिर क्या दिया बताइए, फर्स्ट 11, 11 का एवरेज कितना दिया है 48 और अंतिम का 11 कितना दिया है 42। अब अंतर अंतर लीजिए, यहाँ कितने, ये कितना ज़्यादा है इससे 4 ज़्यादा है और ये कितना है 2 कम, देखो 11 चौक को या उसको भी छोड़ो ना, सीधे अंतर लो यहीं पे 2 हो गया, अरे जब दोनों संख्या बराबर हैं तो यहीं अंतर ले लीजिए, 2 हो गया, 11 दूना 22,
ये 22 हो गया, 22 प्लस में आया है, औसत ये क्या है 44 अंतर लेंगे। तो ये बताओ अगर ये प्लस में आया है तो क्या हमको ओवरऑल क्या करना, ओवरऑल औसत जीरो करना होता है। तो अगर ये प्लस में 22 आया और हमको 11th नंबर निकालना है, 11th नंबर निकालना है तो ओवरऑल कैसे आएगा 11th नंबर? तो भाई देखो ये 22 आया है तो इसका मतलब इससे ज्यादा आना चाहिए, मतलब जो 11th नंबर आना चाहिए इससे ज्यादा आना चाहिए, कितना आना चाहिए? तभी तो अगर ये 22 आया है तो -22 करके जीरो कर देगा एवरेज। इसका मतलब 11th नंबर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 11th नंबर कितनी आ गई 66। लेकिन इसके बाद करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, 21 × 44 -66 अब बटा के 20। इसलिए सवाल बड़ा बढ़िया हो जाता है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, गुड सवाल है। हाँ करना पड़ेगा, ये सवाल इसलिए बढ़िया हो गया ना कि ये हटाने वाला सवाल दे दिया है, इसलिए बढ़िया है। ये सवाल हटाने वाला दे दिया है, ये वाला आप लोग खुद करेंगे, अब हटाने वाला ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, ये होमवर्क है, हटाने वाला फिर से आ गया, लगाइएगा आप। 13वीं संख्या को बाहर रखा गया है तो कर लेंगे, अब बाहर रख दीजिएगा, कर लेंगे ना, आप समझ गए आगे कैसे करना है। 13वीं संख्या को बाहर कर दीजिएगा आप, ठीक ना, इसके साथ नहीं लिए क्या हम, लिए भाई नहीं लिए, लिए दोबारा ले लिए क्या? देखो फिर आ गया क्या, फिर आ गया सवाल सेम, 12 संख्याओं का इतना है, पहली 6 का इतना है, अंतिम 7 का इतना है, छठी संख्या को हटा दिया जाए, फिर वही सवाल, फिर लगाना, इसलिए लेके आया था कि आप लोग भी लगाइए, सेम सवाल है, आप लगा सकते हैं ना, अब तो फोटो ले लीजिए, मतलब हटाने वाले सवाल भी कर लीजिएगा आप। आते हैं पेपर में भैया, यही था आपका लास्ट, भाई साहब लो पढ़ो इसको, पढ़िए इसको। हाँ शुरू में तो यही बात है, शुरू में अगर बड़ा सवाल दिखा तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आगे 3-4 सवाल लगाएंगे आप, पढ़ लीजिए यहाँ पढ़िए। लेकिन किसी व्यक्ति के स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया, उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 किलोग्राम से अधिक लेकिन 80 से क्या है कम है, यहाँ लिखते हुए रहिए, 70 से ज्यादा लेकिन 80 से, अच्छा जितने कौन सवाल है ये, जब कैलेंडर पढ़ाते हैं उनकी माता को याद है कि बस बस वह सवाल है कि 31 के बाद है, हालांकि 31 के बाद का होता ही मतलब कुछ, 15 के बाद है लेकिन 25 के पहले है, भाई को याद है कि 20 के बाद है ऐसे पहले है, वह वाला है सवाल। हाँ लेकिन थोड़ा सा समझिएगा इस बार, एकदम सही पकड़े वही सवाल है, क्या लगाया 70 किलोग्राम से अधिक तो क्या बोलोगे, 71 से लेके कहां तक, 80 से कम मतलब क्या 79, ये तो होगा एकदम ठीक। उसके दोस्त ने उसके वजन का अनुमान लगाया 74 से ज्यादा लेकिन 84 से, ध्यान देना इसका मतलब ये कहां से कहां जाएगा, 75 74 ज्यादा और 83, ये दोस्त हो गया, ये कौन हो गया, जहां तक काम है उसमें लेंगे। माता ने कहा 78 से कम है और क्या है, और कुछ दिया है, अच्छा बस माता ने इतना ही कहा 78 से कम है, 78 से कम मतलब क्या संख्या बनी, ध्यान दो, 78 से कम मतलब क्या आएगी, 77 176 और 1 हो गया, 3 हो गया। अब बोला है क्या, और तीनों ने सही अनुमान लगाया था तो संभावित वजन का औसत, तो किसका औसत निकालना है, 75 76 और 77, एवरेज 76 ना होगा। लो भैया ऐसा मत करना जोड़ के 3 से भाग दे रहे हैं, हाँ फिर पढ़ क्या रहा है औसत का मतलब, आप कोई पूछ ले यही 75 76 77 का एवरेज बताओ, कह रुको निकालते हैं कलम फिर बताएंगे, भाई लगातार संख्याएं हैं। अच्छा ये सवाल कितना आसान था, अब अगर दोबारा भेड़ोगी कर लोगे आप लोग, बस पढ़ने का है खेल, पढ़ने का खेल है, इतना बड़ा कह रहा है, किसी को डाउट है क्या, एकदम डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बार जो बोला है उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 से ज्यादा लेकिन 80 से कम है, इसका मतलब 71 हो सकता है और क्या हो सकता है 79, ये हो सकता है। दूसरा बार अंदाजा लगाया 74 से अधिक है लेकिन 84 से कम है, तो कहेंगे या तो 75 होगा या तो
83 के बीच में होगा, मतलब ये दोनों को लेना भी है। अच्छा, उसके बाद क्या है, 84 से कम है, माता जी ने कहा 78 से कम है, ठीक है 78 से कम है, तो हमने कहा इसका मतलब 78 लेना ही नहीं हमको, 78 से कम है मतलब क्या लेना है, 77, 76 और 75, इन्हीं तीनों क्या कर जोड़ दीजिए, तो बोलेंगे क्या, यहाँ लिख लो क्या आया था, 75, 76 और 77, एवरेज क्या आ जाएगा 76। हाँ बस लिखा है ना कि अगर और तीनों ने सही अनुमान लगाया था, सही है, आंसर आएगा 76। दोबारा ले वाले भाई आप, खत्म हो गया, 5 सवाल और है, एवरेज का पूरा निपटारा कर दिया हमने, खत्म। लगाइए, 2 अंकों की 9 संख्याओं का औसत 6 से कम हो जाता है, जब 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं, उस संख्या के अंकों के बीच अंतर, अब अगर ये नहीं लगा पाए ना तो यहीं से मारेंगे, यहीं से मारकर फेंक देंगे एकदम, समझ लीजिए, क्योंकि ये सवाल करवाया हमने क्लास में, ये भी क्लास में करवाया है, मारकर फेंक के मारेंगे इस बार, अगर नहीं लगा तो, इस बार नहीं लगा तो मारकर फेंक के मारेंगे। मारकर फेंक के मारेंगे नहीं लगा इस बार तो, क्योंकि हमको याद है, हमने पढ़ाया है सवाल, एवरेज क्लास में पूरा पढ़ाया हमने। ये भी नहीं चाहता है कि आप लोग मार खवाएं, सवाल तो याद हो गया ना, कि फिर देखोगे, अभी देखेंगे, अभी ये सवाल हमने करवाया है आपको, नोट्स आ जाके ना, अगर होगा नोट्स तब, नहीं तो चेक कर लेना कहीं सोम पापड़ी ने कोई खा लिया हो। हाँ, क्योंकि जब समय ज़्यादा भी जाता तो घर में क्या होता है, साफ सफाई होती है, दीपावली पे गायब हो जाता है सब, आए हाँ ये भी होता है घर में, तो कोई होता है कथा होता है तो मम्मी क्या करती हैं, फाड़ती हैं और थमा देती हैं, ले जाओ यही सब है। हाँ, इसलिए चेक कर लीजिएगा है कि नहीं नोट्स, नोट्स है कि नहीं चेक कर लीजिएगा। बताइए, दो अंकों की 9 संख्याओं का औसत 6 से कम हो जाता है, जब 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। सुनिए, आप जाते हैं, जानते हैं क्या, अगर कोई 2 अंक की संख्या है, क्या है 2 अंक की संख्या, अगर कोई संख्या 2 अंक की एक्स वाई, इसको कैसे लिख सकते हो आप बताओ, 10x प्लस, हाँ या ना, इसके अंकों को बदलिए yx, क्या लिखते हो इसको, आप जानते हैं अगर किसी 2 अंक की संख्या को परस्पर बदल दे तो संख्या हमेशा 9 से कटती है, याद है, अगर किसी, याद है ना सबको, 2 अंक की संख्या को पलट के घटा दे तो हमेशा किससे कटती है 9 से, और 2 अंक की संख्या को अगर पलट के जोड़ दे तो 11 से, 11 लिखा है, क्या है 11 से, हाँ 11 से, तो कहेंगे अंतर ले लीजिए, इसका अंतर लेंगे तो 10x प्लस वाई और माइनस 10y माइनस x, देखो हटाओ ये 9x और माइनस 9y, अब यही जो है ना अंतर, ध्यान सुनना, अब 2 अंकों की 9 संख्याओं का औसत 6 से कम हो जाता है, अगर 1 का 6 से कम होगा तो 9 का कितना होगा, 9 × 6 = 54, सवाल में ये आंसर है, 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर 54, 9 × 6 आंसर क्या आएगा, दे इसका आंसर, पूछा क्या है अंकों के बीच अंतर 6, नहीं आया समझ में, और जाके घर पे आज खोलना कापी, अगर ये नहीं करवाएंगे तो बताना हमको, जाके कापी में सवाल खोजना, सवाल एक बार फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों की संख्या है एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इनके अंकों को पलटिए वाई एक्स, ये लिख सकते हैं, इनका अंतर ये,
और ये 54 कहां से आया? अगर एक में 6 कम हो रहा है तो 9 में कितना कम होगा? 9 × 6 यही 54 आया है, यही 54 आया है। तो 9 × 6 = 54 आंसर आएगा 6। बहुत अच्छा सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है कर लेंगे, आंसर आएगा 6। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा आप। तो हमको लग रहा है ये सवाल आप लोगों को तिबारा चौबारा बता रहे हैं कई लोगों को, ठीक है ये हमको याद है, क्लास में हमने करवाया है, आप नोट जरूर चेक करिएगा। इतना समझ रहा, देखो सबसे बड़ी बात है ना, इतना भी नहीं करना था आपको। देखो क्यों नहीं करना था, क्योंकि जानते हैं अगर 2 अंक की संख्या हो उसको पलट दे तो हमेशा किससे कटती है, हो 9 से, मतलब उसके अंतर को देखो, तो जब 9 से पहले ही से जानते कटती है तो यहाँ लिखिए 9 और x माइनस वाई पहले लिखिए, और वो किसके बराबर दिया है, 9 × 6 के बराबर, 9 क्या हो गया, कट गया, x माइनस वाई कितना आ गया, तो पूरा कौन लिखेगा? देखो अब गुड़ा गणित लग रही है भाई, आंसर ला रहे हैं लोग, ये कंसेप्ट से लाए हैं भाई हम सर। ये हमने स्टेप क्यों काटा, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतर लिया जाता है, 18 − 12 कर रहे हो आप, सही है। तो बिरजू भी बगल में बैठे हैं, वो भी 6 ला देंगे, कहेंगे 36 में 6 का भाग दीजिए, बहुत खतरनाक दिमाग लगाते हैं हम। ये नहीं समझा आपको, इसके पहले वाला कौन सा आ रहा था? अच्छा ये सवाल नहीं आ रहा आपको, ये संख्या लिखी है, इसको लिखते देते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, पलटने आता आपको, क्या लिखेंगे पलटने पर, क्या लिखेंगे, अंतर लीजिए, अंतर ले लेंगे तो क्या आएगा, 9x − y। अब बोला है औसत 6 से क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, अगर एक में 6 कम हो रहा है तो 9 में कितना कम हो जाएगा? औसत हमेशा एक की ही बात करती है, याद करिए, जब बोलता है कि 11 प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया तो औसत में भी कितना जोड़ देते हैं आप, 2। अगर बोलता है कि औसत में अगर प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा किया, औसत में क्या करते हैं आप, 2 का गुणा, तो वहां भी वही हाल है। हाँ देख लो भाई, इनका ये लिखा है 2 अंकों की 9 संख्याओं का औसत, वो आपको एक संख्या दिख रही है क्या, ये एक संख्या लिए हैं, ये एक संख्या है क्या, ये एक संख्या कहां है भाई, वो 2 अंकों की सब संख्याएं हैं जितनी होती हैं, ये क्या हम क्यों एक संख्या लेके बैठे हैं, ये एक्स वाई लिखने का मतलब क्या समझते हैं आप, एक्स और वाई के मान भरते रहिए सब संख्या आएंगी, पूरा आएंगी, 10 से लेकर 99 तक सब संख्या भरी हुई है, हम क्या एक संख्या थोड़ी लिए यहां पर, 2 अंक की जितनी संख्या सब है यहां पर, तो यहां पे 2 अंक की संख्या हो गई और यहां पे 9 × 6 = 54 हो गई, तो सबको बैलेंस कर दिया हमने, नंबर लेकर करें, लेके कर सकते हैं नंबर, अब सोचना पड़ेगा कि नंबर कौन सा लें, सही है ले लीजिए, अब x माइनस वाई का मान 6 आया, सोचिए अब कि x वाई माइनस वाई का मान 6 कहां कहां आएगा, सोचिए बहुत सारी संख्या बनेंगी ना, तो भाई बदलने का मतलब यही ना होता है, तो वो एक ही के बारे में बात करेगा भाई, 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंक, ये एक्स वाई, अच्छा ये बताओ ये संख्या माने हो आप एक्स वाई, इसको बदलोगे तो ये लिखोगे वाई एक्स, अब यहां पे हो सकता है क्या हो 12 हो, इसका उल्टा क्या होगा, एक हाँ हाँ, तो आप 9 संख्याओं को एक साथ कैसे मान सकते हैं, 9 संख्याओं को एक साथ मान सकते हैं, मानिए भाई 9 संख्याओं को एक साथ कैसे मान सकते हैं, मानेंगे तो एक ही ना मानते हैं, एक जो रहता है वह आ जाता है अपने आप। अब आप ऐसा तो है नहीं कि भाई वो तो रावण था उसका 10 तो क्या था, सर था, वो एडजस्ट कर लेता था, पता नहीं किसे खाता था वो, ये भी नहीं पता आज के लोगों को चला। ये सवाल बहुत शानदार है, बढ़ाओ इस लगाओ इस सवाल, ये सवाल बहुत घूमता है इधर उधर व्हाट्सएप फेसबुक में बहुत घूमता है, ये घूमने वाला सवाल है,
जितना लिखा है उससे क्या कर देना है, एक आंसर। लेकिन सुन लो क्यों, देखिए आया हुआ सवाल है, लिखा गया है 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, तो उनमें अधिक से अधिक कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं, उससे एक कम, क्यों सुनो। यहां लिखा है 1, 2, 3, 4, इसका एवरेज बताना, बताना एवरेज, 4, 3, 7, 9, 1, 10। अब 10 को क्या करो, भाग करो, या क्या इतना दिमाग लगाना, ढाई कर लो सीधे, क्या कर लो ढाई। अब सुना ध्यान से, अब सुनिए, ढाई लाना है, सुनना। लिखा गया है 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, औसत शून्य दिया है, उनमें अधिक से अधिक कितनी संख्या ऋणात्मक हो सकती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमने कहा 4, 3, 5, 4, 3, 7, 5, तो हमने कहा यहां 12 कर दो ना, क्या दिक्कत है, कितनी संख्या हो गई टोटल बताओ, 4। हम पूछे एवरेज बताओ, एवरेज बताओ इसका 0। तो अधिकतम कितनी संख्या धनात्मक हो सकती हैं, 3। उल्टा पूछ ले, -4, -3, -5 और प्लस, अधिकतम कितनी संख्या ऋणात्मक हो सकती हैं, जितना है उससे एक। कुछ बातें समझा रही हैं आपको, इसका मतलब हम 3 पॉजिटिव कर दें, आ 1 क्या कर दें, जैसे घर में खूब काम किए बाबाई लूटे, 1 अचार का जो डब्बा था गिरा दिए, तड़ाक भड़ाक शुरू हो गया, उसके पहले कितना भी झाड़ू पोछा लगाए थे सब खत्म, अचार पूरा गिरा दिए, वो बहुत मेहनत किया गया था, तो फिर आप गिनाओगे कि हमने वो भी तो किया था, अचार क्यों गिरा है, वो सब तो ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पे। 4, 5 कितनी भी संख्या हो, ये बात समझिएगा कॉन्सेप्ट, ये कहेंगे 1, 2, 3, 4 है, हमको 0 लाना है, तो 3 प्लस कर देते, माइनस कर दे, ये पूरा एक बार समा गया ना इसके अंदर, हो गया। तो लिखा है 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य लाना है, तो उनमें से अधिक कितनी संख्या ऋणात्मक हो सकती हैं, कहीं एक कम, और हम क्या कर देंगे बाकी को प्लस कर देंगे एडजस्ट, तो भी वही हो जाता। अगला सवाल है, वो अगला क्या है, वो है अगला है, देखो ये सब सवाल छोटे छोटे होते हैं, एग्जाम में पूछ देते हैं भाई, देख रहे हो ना कितना आसान सवाल है, देखो तो देखते लगा दोगे, अब देखो तो आ गया 27 संख्याओं का शून्य है, इनमें से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है, मतलब पॉजिटिव, कितनी लगाने की जरूरत है, तो ये सब सवाल आते हैं पेपर में, आए हुए हैं, देख लीजिए आप। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, 27 का औसत शून्य है, मतलब 1 से लेकर 26 तक निगेटिव मान लेंगे, अब बड़का वाला पॉजिटिव मान लेंगे, हो गया, या 1 से लेकर 26 तक पॉजिटिव मान लेंगे और बड़का वाला निगेटिव मान लेंगे, खत्म। जैसे कहते नहीं है कि तुम तैयारी करते रहो, हम 1 दिन में तैयारी कर लेंगे, वाले कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, लेकिन ये वाली बात सही नहीं होती है, 1 दिन में तैयारी कभी नहीं होती है। या कोई मान लो यहाँ से साइकिल जा रहा है, तुम चलो हमारे हैं, नहीं पैदल कैसे जाओगे, कैसे भाई, साइकिल से थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अब बाइक से जाइए या नैनो से जाइए, ठीक ना, देख रहे हो ना कितना आसान सवाल है, इसीलिए लेकर आए थे, ये नहीं आ रहा क्या, तो ये सेम है दोनों, कोई पूछ लीजिए, बस इसका कलर अलग, वो हरा है तो ये लाल है, साई वही सब सेम है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये है कितनी संख्या यहाँ से यहाँ तक, 27, बात समझिए, 27 संख्या। अब बोला है इनमें से अधिक कितनी संख्या है, शून्य से अधिक मतलब धनात्मक कह रहे हो, तो मान लीजिए यहां देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमने यहां एक संख्या मान लिया, अपने से मान लिया, हमने एक मान लिया अधिक है ना, ठीक है, हमने मान लिया कि यहां से इसका एक संख्या है -100, और ये जो संख्या है ना ये 27th नंबर है, और हमने कहा इसके पहले कितनी संख्याएं बचेंगी, 26, कितनी बचेंगी, 26 संख्या है वो, और एक संख्या है केवल। अब हम 26 को क्या क्या मान लें, को मान लो, इसको मान लो 2, इसको मान लो कितना 3, इसको 5, इसको 9, ऐसा मानो कि 26 को जोड़ने में कितना आ जाए 100,
लेकिन ये बड़ा है इसलिए हम एग्जाम्पल नहीं लेना चाहते, छोटा लेते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा पांच संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें अधिक से अधिक कितनी संख्या धनात्मक हो सकती है? चार। कहे पांच संख्या है ना, सात नौ औसत निकाली। पांच चार संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिक कितनी संख्या धनात्मक हो सकती है? क्या जीरो हो गया। क्या 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 अरे तो वो तो कंडीशन डिपेंड करेगा ना, एक ही चीज में, एक ही में दोनों कैसे पूछेगा वो? नहीं नहीं एक में दोनों नहीं पूछेगा, या तो वैसे चार है, तीन को पॉजिटिव कर लीजिए, एक को नेगेटिव कर लीजिए, या तो तीन को नेगेटिव कर लीजिए, एक को पॉजिटिव कर लीजिए। पूछे तो है, दोनों पूछे भाई, दोनों तो पूछे हैं आप लोगों से। क्या इसका आंसर होगा? आ गया समझ में? एक और है क्या? दो सवाल और है, तीन सवाल खत्म करो, लगाओ इसको, लगाइए इसको, खत्म करिए। लास्ट का दो तीन सवाल है, खत्म करिए लगाकर। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 और अन्य दिनों में 130 आगंतुक आते हैं, सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों को एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, लगाइए। पहले सवाल को समझना पड़ेगा आपको कि सवाल क्या कह रहा है। है ऑप्शन 135 भी है। ये तो आसान लग जाना चाहिए, थोड़ा सा कैलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए यहां, देखिए सुनिए, यहां लिखा है 30 दिनों का एक महीना है, प्रथम दिन किसे शुरू हो रहा है? सोमवार से। अगर पहला दिन सोमवार होगा तो ये बताओ पहला इतवार कब पड़ेगा? 8 को सोमवार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो कहेंगे पहला इतवार कब पड़ेगा? 7 को। 7 को, तो 7 तारीख को क्या पड़ेगा? पहला इतवार, रविवार। अब पता कर लो कि इस वाले महीने में कैठो रविवार पड़ेंगे, कैठ हो 7, 14, 21, 28, खत्म सवाल। अब बोला है कि रविवार को 265, तो 4 × 265, अब बाकी दिन कैठ बच गया 26 दिन, तो 26 दिन में क्या है? 130, सवाल खत्म। ये तो कह रहा है, और फिर एक महीना में बड़ा क्या करना पड़ेगा? खत्म सवाल। अब लगा लो क्या आएगा, एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या कितनी होगी? आ गया 148। ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा नहीं क्या इससे? नहीं नहीं, ये 30 कट जा रहा है, लगाइए। हाँ इसको जोड़ लीजिए, पूरा पूरा जोड़ने में कितना आ रहा है? ये 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4×6 = 24, तो 26 ना, और 4×2 = 8, 2 = 10, और प्लस 33 टोटल। ठीक है चलो हम करते हैं, देखो यहाँ पे 4×5 = 20, 4×6 = 24, 4×6 = 24, 2 = 26, 2 = 1060, प्लस 13×6 = 78, 5×7 = 7, 13×2 = 26, 26 × 7 बटा कितना? 0 0 काट लीजिए ना, फिर 3×6 = 6, 8। अच्छा ठीक है, 444। अच्छा ये बात, 3 = 3, 3×4 = 8,
148 इज आंसर। बहुत शानदार। थोड़ा सा कैलेंडर का सवाल ले लिया, देख रहे हो कहाँ कहाँ सवाल ले जाते हैं लोग, एवरेज में कैलेंडर घुसा दिया, देख रहे हैं। इसके बाद वाला सवाल इससे बढ़िया है, थोड़ा वो सोचने वाला है, ये तो आसान था। 7 तारीख को पहला सोमवार पड़ेगा तो 7 तारीख को पहला रविवार पड़ेगा तो 4 पड़ जाएंगे रविवार, 4 रविवार हैं, 4 क्या हैं रविवार हैं, 4 रविवार हैं, तो बाकी कितना दिन बचा, 26 दिन, तो 26 में सुबह गुणा कर देंगे आ जाएगा। सही है, कर लेंगे। इसके बाद वाला लगाओ, थोड़ा इससे और अच्छा सवाल है। ये और बढ़िया सवाल है, इसको लगाओ। नवंबर माह में, इस बार नवंबर दे दिया, 30 नहीं लिखा तो बतिया हुए हुई, एक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई सप्ताह के कार्य दिवसों वीक, ये क्या लिखा है वीक डेज, और सप्ताहांत वीकेंड, समझना है अब आपको, पर आने वाले आगंतुकों की अवसर संख्या क्रम से इतना है, यदि माह का पहला दिन सोमवार था तो माह में आगंतुकों की संख्या लगाओ, सेम है तो लगाइए लगाइए। बताइए भाई इसका आंसर, अब मैच नहीं करेगा। अब सुन लीजिए, वीकेंड का मतलब होता है शनिवार रविवार दोनों, ये जान लीजिएगा। वीकेंड का मतलब क्या होता है, शनिवार रविवार दोनों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहां क्या लिखा है वीकेंड, मतलब शनिवार रविवार दोनों, मतलब 4 दिन नहीं होगा, 8 दिन हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा वीकेंड, अब 22 दिन हो गया अन्य दिन, अब लगा लीजिए आ जाएगा। समझ आ रहा है, वीकेंड की बात नहीं करते क्या आप लोग, वीकेंड का मतलब अब जब आप जब नौकरी लग जाएगी ना आपकी सरकारी नौकरी, हाँ जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, जब दिल्ली में जाओगे ना आप तो वहां 2 दिन छुट्टी मिलता है, कई दिन मिनिस्ट्रियल में जाएंगे तो शनिवार रविवार दोनों मिलेगा, उसी को वीकेंड कहते हैं, मतलब वीक समाप्ति की तरफ है। तो याद रख लीजिएगा आज के बाद, वीकेंड का मतलब क्या होता है वीकेंड, इसलिए कई लोग बोलते भी होंगे, आप सुनते भी होंगे, वीकेंड में कौन कौन से दिन आते हैं बोलो, शनिवार और रविवार, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि हम वीकेंड में इस बार जा रहे हैं घूमने के लिए, इसका मतलब शनिवार रविवार दोनों जाएंगे वो, तो वीकेंड का मतलब ये होता है वीकेंड। अब आप बताइए, रविवार 4 पड़ रहा है तो शनिवार भी 4 पड़ेगा, इसका मतलब एक महीने में 30 दिन वाले महीने में वीकेंड कितने पड़ जाएंगे, 4 4 8, बहुत ध्यान देखना, वीकेंड वीकेंड कैटो पड़ जाएगा 8 को, और अन्य दिन क्या बचा 22, अब लगा दीजिए चमक जाएगा आंसर। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है, देखिए लेकिन पूछा है एमटीएस में, देखो एमटीएस कहने के लिए एमटीएस है लेकिन पूछता है, बहुत लाजवाब सवाल है। अब लगा लीजिए सवाल, कहेंगे सर जी एवरेज निकालना है, लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बताइए क्या होगा। वीकेंड में क्या है, पहले क्या दिया वीक डेज, अच्छा वीक डेज का मतलब क्या होगा, वीक डेज हाउ वाला वीक वाला पूरा, मतलब ये दोनों छोड़कर, और सप्ताहांत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सप्ताहांत, सप्ताह का अंत, अच्छा गुणा कर दो अब, तो 22 में किसका गुणा करें बताइए, 450 का, 22 में किसका गुणा कर दें 450 का, और 8 में किसका गुणा कर दें 400 750, अब बड़ा क्या कर दें 30, अब काट दो सब चीजें, 3 से काट दो, 3 5 15, और 3 से काट दो सब कट जाएगा, अब 15 2 30, 15 2 30 1 31, हाँ 15 2 30, 15 2 30 3 33, प्लस 25 8 200, कितना आएगा जोड़ लो 530, यही सवाल का आंसर है।
530। मजा आया कि नहीं सवाल देखकर? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ वीकेंड का मतलब ही दो दिन होता है भाई, आप जान लीजिए आज के बाद, ध्यान में रख लीजिए। हाँ खास तौर से यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन जब आप हो जाएंगे ना गवर्नमेंट जॉब में तो वहाँ पे वीकेंड छुट्टी मिलती है आपको, दो दिन छुट्टी मिलेगी। हाँ तो आप तब और जान जाएंगे कि भैया वीकेंड, तब आप वीकेंड की ही बात करेंगे हमेशा, ठीक है। तो दो दिन, हाँ दो दिन छुट्टी मिलेगी, लेकिन उसमें क्या होता है थोड़ा सा नुकसान भी होता है, कई लोग नहीं लेते हैं छुट्टी, ठीक है। कई लोग देखते हो छुट्टी मिलती है तो नहीं आते, घर आते हो कहते भैया कम रहेंगे यहीं पे, पैसा मिलता है ना उसका, पैसा मिलता है। कई लोग अगर अपनी छुट्टी को सरकार को दे देते हैं, भैया लीजिए पैसा दीजिए, छुट्टी का भी पैसा मिलेगा आपको, बस समझ रही है, छुट्टी का भी पैसा, ठीक है, बस समझ रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो हमने देखा है, पता है क्या हमने देखा है, बहुत ही नजदीक से देखा है सब चीजें, क्या कि जब आदमी सरकारी नौकरी लग जाती है, जब उसकी शादी नहीं हुई होती है, बात को सुनना ध्यान से, एकदम रियलिटी बात बता रहे हैं, सुनो ध्यान से, एकदम रियलिटी है। जब आदमी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और जब उसकी शादी नहीं हुई होती है, उसका मतलब कोई परिवार नहीं, मतलब घर पर माँ बाप है बस, अब वो वाला सेल्फ वाला जो आजकल मॉडर्न चल रहा है वही सब, तो आदमी जब भी छुट्टी मिले घर भाग आएगा, तुरंत घर भाग आएगा, तुरंत आएगा, एक दिन मिले घर आ जाएगा, एक दिन मिल गया, शादी हो गई, अगर उसके मियाँ बीवी साथ में हो गए, बच्चे भी साथ में हो गए, परिवार बाहर है, अब अगर 10 दिन की छुट्टी मिलेगी नहीं आता है, कहता क्या करने जाएंगे अब तो सब यही है, रियलिटी है ये आजकल की कड़ू सत्य बात है कि आदमी कैसे बदल जाता है, कि कैसे अपने घर के लोगों को भूल जाता है वो, अब वही जाने, नहीं तो याद करो आप, अब भी लोग हो सकता है कुछ लोग होंगे इसमें से, ऐसे आप लोग मत करना ऐसा। हाँ हाँ हाँ, मतलब हमने तो इस तरह आम बताया, किसी का भी किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा भाई, जो पहले थे वही बाद में भी करिएगा, ठीक है। अगर छुट्टी मिल रही है तो घर पे जरूर जाइए और देखिए, लोगों से मिलिए, गांव समाज भी आपका होता है। लोग सोचते हैं कि बस करो हम गांव समाज से दूरी बना ले, अब क्या हो गया, अब तुम्हारे बाल बच्चे यहीं पे हैं, अब घर कौन जाएगा, क्या जरूरत है, गलत बात है, ये गलत है, आजकल के यही लोगों की मानसिकता हो गई है, बस समझ आ रही है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, भले से शादी हो जाए, भले से आपकी औरत आपके साथ है, छुट्टी मिला औरत भी आप भी और चुन्नू मुन्नू को भी लेके जाइए, गांव घुमाइए, ताकि चुन्नू मुन्नू जाने कि गांव भी कुछ होता है, चाची दादी नानी बुआ होती हैं, नहीं चुन्नू मुन्नू अंकल आंटी करने लगेंगे, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो आजकल हम ही लोग तो खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे समाज से न जुड़ें, जमीन स्तर चीजों को न देखें, बाहरी रख रहे हैं उनको, तो बनाइए आप खुद, बात समझ आ रही है, इसलिए इसका जरूर ध्यान दें, इस सबसे भाई जमीन से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि जब आप शुरू करते तो जमीन से ही रहते हैं, और आदमी वहां जाने के बाद चीजों को भूल जाता है। आए? क्या हुआ, क्या इन लोगों के लिए, हाँ हाथ तो इन लोगों का होता है, हाँ हालांकि एक तरह से डायरेक्टली ब्लेम भी नहीं लगा सकते हैं, अगर एक लड़का शादी के बाद अपने पे कंट्रोल किया है तो एक औरत की क्या इतनी हिमाकत कि वो आपको बदल दे, बात समझ आई आपको? तो भाई आपके हाथ में भी तो पावर होना चाहिए, तो आप तो जी हजूरी करने लगते हो, जी हजूरी करने लगेंगे तो करिए। और एक ये भी देख लो, शादी के बाद कभी देखना औरत कभी अपने मायके बात करना नहीं छोड़ती है, रियलिटी है, एक औरत शादी के बाद अपने मम्मी से पापा से भाई से सबसे बतियाएगी, लेकिन वही आदमी माँ बाप भाई से बात करना छोड़ देता है, अंतर देख लो आप, अंतर देख लीजिए आप, रियलिटी है आजकल की, सच्चाई है। और वही अगर औरत के माँ बाप जाएंगे वहां पे बाहर, अगर बच्चा रह रहा है तो खूब सेवा सत्कार होता है, औरत भी करेगी, वो तो करेगी करेगी, आदमी भी करता है। अगर बाय द वे आदमी का माँ बाप या भाई कोई गया, वो कहेगी कहां से बुला लाते हो तुम हमेशा, हम नहीं खाना वाना बनाएंगे, ले जाइए, ये रियलिटी है आजकल की। और आदमी पता नहीं कैसे सह लेता है, भाई उसकी माँ बाप हैं और तुम्हारी माँ बाप नहीं है, ये क्या कर रहे हो तुम,
ये क्या कर रहे हो। और आजकल की एकदम कटु सच्चे है बात, एकदम कटु सत्य लोग यही कर रहे हैं। हालांकि इसमें गलतियां हम तो लड़कियों को भी देने चाहेंगे, क्यों लड़कियां उनकी गलती है भाई। अगर ये बताओ अगर उसके माँ बाप हैं तो तुम्हारे भी तो हैं, वो मानना चाहिए ऐसा। लेकिन कुछ देखिए ऐसी भी बात है, हालांकि सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, कुछ के वजह से पूरा समाज क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। रियलिटी यही है, सभी लड़कियों को लोग कह देते हैं कि देखो सभी लड़कियां एक ही जैसी होती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप का अधिकार देती हैं, और होना भी चाहिए, बहुत कम है, रेयर मिलता है ऐसा, बहुत रेयर है। लेकिन गलती तो आप लोगों की भी है, गलती है कि नहीं है भाई। उसकी माँ बाप आ रहे हैं तो आप सेवा सत्कार में लगे हुए हो, ठीक है, रियलिटी आजकल की भाई, सच्चाई है। इसका फोटो लिए थे कि नहीं, हम इसका फोटो लिए थे, लिए थे फोटो, नहीं लिए थे, हाँ। इसका फोटो लिए थे कि नहीं बताओ, लिए हैं, नहीं गांव मत घुमाइए लेकिन अपने घर द्वार जरूर दिखाइए ताकि उस बच्चा जुड़ा रहे, ठीक है। लगाइए इस सवाल का आंसर बताइए, हाँ साफ घुमाना, ज्यादा मत घुमाना नहीं तो वही घुमाने लगेगी, हिसाब से घुमाना, हाँ घुमाने का मतलब ये नहीं कि आप घुमा रहे दिन भर, वही घुमाना शुरू कर देगी फिर। बताइए इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ये लगा लो, ये सवाल भी अच्छा है, लास्ट सवाल है। सवाल का पहले मतलब समझिए, सवाल कह क्या रहा है, सवाल को समझिए आप पहले, ठीक है। इनमें से किसी भी दो संख्या के औसत को तीसरी में जोड़ा जाए तो योगफल क्रमशः यह हो जाता है। सवाल समझिए, तीन संख्याएं हैं आपके पास, ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी का आधा कर दो और तीसरी के साथ क्या करो, जोड़ दो, तो प्राप्त होती है क्या, 164। सवाल समझिए पहले, ये हो गए। उसके बाद क्या बोला है, कहां गया, किसी भी दो को, तो ए प्लस बी को जोड़ लिए, अब किसको जोड़ो, बी प्लस सी को, ये हमने करवाया है क्लास में आपको। अब क्या होगा, 158। इसके बाद C प्लस ए को जोड़ो और आधा कर दो, B के बराबर करो, क्या आएगा, 132। ये सवाल कह रहा है, ये सवाल कह रहा है। अब इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, पूछा क्या है, तीन आरंभिक संख्याओं का औसत, औसत पूछा है भैया आपसे, अब इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए कितना कठिन पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, देखिए, हाँ अब इसको आप जोड़िए, देखो इनको जोड़ोगे ना आप तो ये ए प्लस बी प्लस सी फिर से आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप तीनों का मान अलग अलग निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। सुनिए एक काम करिए, अगर हमको डायरेक्ट एवरेज निकालना होगा तो क्या करेंगे उसके लिए, सुनो एवरेज 164 प्लस 158 और प्लस 132, थोड़ा इनको जोड़ना, 8 2 10, 10 6 16, 10 4 14, 10 4 14, हासिल कितना, 1 3 1 4 9, 9 6 15, हासिल 1 2 3 4, 454। अब बड़ा क्या कर दो, 6 6 कर दो, 6 7 42, कितना बचेगा बोलो, 3 3 का मतलब 6 5 75, सही 2/2। ध्यान सुनिए, सुन लीजिए अब ये है कॉन्सेप्ट, ये क्या है, लेकिन इस तरह करते जाएंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। अब वो करना क्या है, जब भी सुन लो ध्यान से हमारी बात, ये ट्रिक बता रहे हैं आपको, जब भी इस तरह का सवाल आए तो क्या करना है, जब आपसे औसत पूछे, क्या पूछे, औसत पूछे, तो क्या करिएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा, 164 प्लस 158 और प्लस 100, अब बटा क्या कर दीजिएगा, 6 सीधे, कितना आया था जोड़ने पर, हाँ बता रहे 6 कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, 400 बटा के 6,
आंसर कितना है? 78 सही, 75 सही, 2/3। ये याद कर लो, 6 कहां से आ रहा है? 2, 4 हाँ अभी देखो बता रहा है, अभी कहां से आता है पूरी, अभी पूरी कहानी बता रहा है आपको, पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो फिर बता रहे हूं। एवरेज के लिए डायरेक्ट तीनों को जोड़ के 6 से भाग कर दीजिए, लेकिन आता कहां से समझ लीजिए। हो गया, अब सुनिए मेन कॉन्सेप्ट भी है लिखा हुआ है। एक काम करिए, तीनों क्या करिए आप, जोड़िए, जोड़िए पहले, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा देखो, तो बहुत ध्यान जोड़ना, ये वाला था, ये दोबारा आएगा क्या, बी दोबारा आएगा, सी दोबारा, कट गया सब, अरे हाँ है ना, सब जोड़ोगे तो ए दो बार, बी दो बार, सी दो बार, कट गया, आया ए प्लस बी प्लस सी, और यहां भी ए प्लस बी प्लस सी, दो आया कि नहीं आया, बहुत ध्यान देखना, ये दो कहां से आ गया, एक बार ये जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, एक बार ये जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ गया, 2a + b + c, अरे हाँ या ना, बराबर। देखो 6 कहां से आ रहा है, देखिए इनको जोड़िए, अभी जोड़े थे ना इधर वाले को, 454। अब सुनिए, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान क्या निकाल लिए आप, 454/2। और जब भी आपसे एवरेज पूछता है तो तीन संख्या है, 300 फिर भाग दे दीजिए, तो 2 था ही, 3 और आ गया, 3 × 2 = 6 हो गया। बहुत बड़ी बात है वो, बहुत बड़ी बात है वो, सोचने वाली बात है वो, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 7। कल को आपसे पूछने लगे पहली संख्या बताओ, तो क्या निकाल नहीं लेंगे, अब a प्लस बी प्लस सी का मान मिल गया है, उठा के रखना शुरू करिए, अब रखना शुरू करिए, सबका मान निकाल सकते हैं आप, क्लियर है आपको, नहीं क्लियर है, ये 2 कहां से आया, एक बार है, दो बार है, दू ये ना होगा, बी दो बार है, बी दो बार है, दो बार आएगा, सी दो बार है, तो कट गया, तो 2 से 2, ये ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, 2 आ गया। देखो कभी कभी ये पूछता है तीनों संख्याओं का योग बताओ, और कभी कभी क्या पूछेगा, तीनों संख्याओं का औसत, तो तीनों संख्याओं का औसत पूछेगा, तो क्या करेंगे बोलिए, 6 से भाग दे, 6 कहां से आता बता दिया हमने, अब 6 कहां से आता है बता दिया हमने, 454/6, ये किसको क्लियर नहीं हुआ, कितने लोग क्लियर नहीं हुआ भाई, हो गया ना, नहीं क्लियर हुआ, अब हो गया, 4 संख्या तो 4 ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी कर देंगे, तो यहां a प्लस बी प्लस सी कर देंगे, यहां d हो जाएगा, यहां b प्लस सी प्लस d हो जाए, समझ रहे हो, कुछ भी कर लेंगे, मेन कॉन्सेप्ट यही है, ये आना चाहिए आपको, कहां से आ रहा है ये सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, देख लेना आप लोग एक बार। अच्छा ये बताओ, अगर हमसे पूछे कि पहली संख्या निकालेंगे तो निकाल लेंगे, पहली संख्या कैसे निकालेंगे, मान रख रख के, a प्लस बी प्लस सी पता है, और ये भी एक समीकरण पता है, इसको 2c कर दो, अरे हाँ है ना। देखो भाई, अगर कल कोई पूछ ले आपसे कि तीनों संख्या निकाल सकते हैं, कहां निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का मान 227 है, यहां से a प्लस बी का मान कितना आएगा बताओ, a प्लस बी प्लस 2c मान क्या आएगा, कहेंगे 2 का गुणा कर दो, 2 × 4 = 8, 16 × 2 = 9। अब a प्लस बी का मान यहां से क्या रख सकते हो आप, 227 - c, सी में सी आ गया, कट जाए, हो जाएगा, सी का मान निकाल लेंगे, कर लेंगे ना, अब तो आसान है, नहीं कर पाओगे, a प्लस बी का मान यहां क्या रख देंगे, 227 - c, अब प्लस कितना, 2c बराबर कितना, 328, तो यहाँ सी का मान कितना आ जाएगा, ये माइनस सी प्लस 2c हो गया ना, वो घटा दो ले जाकर उधर, 8 में 7 जाएगा 1 और 10 100, पहली संख्या आ गई, तीसरी, पहली किसी को भी मान लो, हमको क्या पता कौन सी पहली तीसरी है, किसी को भी कह दो, 101 आ गया, अब उसके बाद रख के दूसरी निकाल लीजिए, फिर तीसरी निकाल लीजिए, सब आ जाएगा। ये अच्छा सवाल था, ये हो गया पूरा एवरेज, ये क्या हो गया एवरेज का, जबरदस्त सवाल हम लोग आज बहुत पढ़े हैं एवरेज का, जो भी बचा कुचा था सब क्या हो गया, समाप्त। अगर आपकी एनर्जी बची है तो बताइए, 3D शुरू करते हैं, एनर्जी बची है 3D शुरू कर दें, थोड़ा सा गैप दे देते हैं बीच में, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग जैसा बताइए, ठीक है।
बाकी धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट करेंगे, थैंक यू। हैं